a giant dance of Shiva tore the past. There was a thunder as of the worlds that fall. Earth was overrun with fire and the roar of death. Clamoring to slay a world his hunger had made, there was a clangor of destruction's wings. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. I saw the omnipotent's flaming pioneers over the heavenly verge which turns towards life, come crowding down the amber stairs of birth, forerunners of a divine multitude. Out of the paths of the morning star they came into the little room of mortal life. I saw them cross the twilight of an age, the sun-eyed children of a marvelous dawn. The great creators with wide brows of calm, the massive barrier breakers of the world, and wrestlers with destiny in her lists of will, and laborers in the quarries of the gods, the messengers of the incommunicable, the architects of immortality, into the fallen human sphere they came. Faces that wore the immortal's glory still, voices that communed still with the thoughts of God, bodies made beautiful by the Spirit's light, carrying the magic word, the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy, approaching eyes of a diviner man, lips chanting an unknown anthem of the soul, feet echoing in the corridors of time, high priests of wisdom, sweetness, might, and bliss, discoverers of beauty's sunlit ways, and swimmers of love's laughing fiery floods. Their tread one day shall change the suffering earth and justify the light on nature's face. मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिय तोर शक्ति अंश जाताने भारतवर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुण मातः ए भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोरी कार्य रही अम्भिमाने प्रति सुण मातः ए भारत वर्षे आविर्भूत हो सहाय हो मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी बर्म आवृत सुंदर शरीर रे मातः जय दायिनी तो प्रतीक्षरे भारत रही अछि तोर सही मंगलमय मूर्ति देखिबा उत्सुक सुण मातः ए भारत वर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामी भारत संग्रामी तोर प्रेरित योद्धा मेमाने दियमा प्राणे मने असुरार शक्ति असुरार उद्यम दियमा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निविड़ तिमिर रे आछन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदयउछु
तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर मातः दुर्गे श्यामला सर्वसंदर जलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आजि पर्यंत शक्ति संघरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सही युग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आसमातः प्रकाश हो मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भावर उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय मातः दुर्गे काली रूपिणी नृमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्थ रिपु विनाश कर गोटिए विजे परी आम मानक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ यही प्रार्थना मातः प्रकाश हो मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्रासवतरे म्रियमाण भारत हे मातः आम्भ मानंकु महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी हौ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ मातः दुर्गे जुग शक्ति विस्तार कर आम्भे माने तोर प्रिय आर्य संतान आम्भ मानक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगतरे वितरण कर मानव सहे दुर्गति नाशिनी जगदम्भे प्रकाश हो मातः दुर्गे अंतस्थ रिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेतार्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पोत सरिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करु मातृ चरण रे यही प्रार्थना मातः भारत वर्ष रे आविर्भूत हो प्रकाश हो मातः दुर्गे आम्भ मानक मध्यरे जोग बल रे प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप हे मातः भारतर युवक गणंकर एही वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभहंत्री होई तरवारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हो मातः दुर्गे तोते पाइले आउ विसर्जन करिबु नहीं श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोरे बांधि रखिबु आस मातः आम मानक मन प्राण शरीर रे आविर्भूत हो प्रकाश हो वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नहीं आम मानकर समग्र जीवन हेउ निरवचिन्न मात्र पूजा आम मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवाव्रत हेउ यही प्रार्थना मातः भारत वर्ष रे आविर्भूत हो मा प्रकाश हो प्रकाश हो प्रकाश हो। जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोध रे कवच व्रत होई चली हम जा तेबे केवल दुईटी चिंता प्रयोजन से दुईटी सफलता एक संगे रहे प्रथमटी हेला मा भगवती का करना आउ द्वितीय टी हेला तुम्हारो श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुम्हारो अंतकरण तुम्हार श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जेउं श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दम्भ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दावी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करि रखिछि से श्रद्धार अनुन्नत तुम्हाछन शिक्षा स्वर्लोक दिगरे उर्ध्वको प्रज्वलित होइ उठे नाही मने रख भागवत कर्म ओ भागवत अभिव्यक्तिरे साहाय्य निमित्त तुमको तुम्हार जीवन दिआछि आउ किछि आकांक्षा कर नाही केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसरता प्रसन्ति आनंद सकाशे आकांक्षा कर जेपरि कि सही चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित ओ सर्वांग सुंदर करी गढ़ निमित्त सतत सचेष्ट हो उठिबो
आउ किछि जानु नै केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्यरे जेउ माने अधिकार पाइछन्ति जेउ मानको ग्रहण करा होइछि सेमानक मध्यरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य ओ ताहर वास्तव सिद्धि को जानु एवं चाहो सही अवस्था व व्यवस्था जहार अनुकूल्य रे हेबो एहि सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय तुमर आंतरिकता ओ तुमर समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण जेबे निजकु देइ देबाकु हुए तेबे निशेषरे देइ दियो कोनोसी दाबी कोनोसी शर्त कोनोसी कुंठित भाव रख नाही जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननीकर होइजिव अहंकार पई अथवा अन्य कोनोसी शक्ति को देबा सकासे जेपरि आउ किछि अवशिष्ट नथिव तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता ओ समर्पण जेते पूर्णतर हेब मांकर करुणा ओ अभय सेते ही घेरि रहिब जदि मां भगवतींकर करुणा ओ अभय तुम संगे रहिछि तेबे आउ एपरि कोन अछि जहां तुमको स्पर्श करिब बाउ कहा को तुमे भय करिब एई कृपारु अटपटि किए भी तुमको सकल बाधा विपत्ति ओ संकट रु पार करि देब तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करि रखे तेबे निरापद रे तुम पथरे तुमे चली जाई पारिब कारण से पथ हैला मांकर ए जगत रे हेउ बा अदृश्य जगत समूह रे हेउ कोनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हेउ ना काहे कि तुमको स्पर्श करि पारिब नाही कोनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई पारिब नाही एही करुणार स्पर्श रे संकट सुजोग रे व्यर्थता सार्थकता रे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य रे परिणत हुए कारण दिव्य जननीकर अनुकंपा हला परमेश्वरक अनुमति एबे हेउ बा परे हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवश्यम भावी ओ अनिवार्य करुणामयी श्रीमान ओ परम प्रभु श्रीरविंद श्रीमंत पाठचक्र राज्य संगठन सभापति पूज्य मामू श्रीयुक्त गदाधर मिश्र महोदय श्रीमा श्रीअरविंद जोगदर्शन कर्मधारे उत्सर्गकृत प्राण समस्त प्रिय बाबुली भाई आस्था जोन सहआवाहक सत्यानंद भाई यही कार्यक्रम सफलता निम्ते घनिष्ठ सहयोग कर मातृहर तथा विभिन्न जोन संगठक भाई भौणी मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर पुरी खोर्धा जिलार सम्माननीय जिला और ब्लॉक आवाहक भाई भौणी वृंद और यही सब जिलार समस्त पाठचक्र और श्रीमंत पूर्णांग शिक्षा केन्द्र दिव्यकर्मी भाई और भौणी मैंने 2001 मसीह आरंभ होता सांगठनिक कर्मी सम्मेलन परिक्रमा कार्यक्रम 20 वर्ष पदार्पण कला संगठन मध्यम संहति और सहयोग निम्ते मातृकर्मधारे प्रसार निम्ते यह सांगठनिक परिक्रमा अत्यंत उपादेय सब्यस्त हो स्मरणीय मुहूर्त में मुझे मयूरभंज जिला और आस्था जोन संगठन तरफ हार्दिक स्वागत जनाऊँ प्रतिवर्ष जुलाई 1 तारीख रु 30 तारीख जाए ओडिशा 30 कोटी जिले में सांगठनिक सभा हो आसुच्छर आलोचना पर आम समस्त अपेक्षा करूँ मात्र चलित बर्ष विश्व महामारी करोना जो यह साक्षात सुजोगु आम मान व्यतीत होगा पड़ू तथापि यह उपादेय परंपरा को उज्जीवित रखापी वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे समग्र 30 जिलार 30 दिन होगा कार्यक्रम को मात्र 4 दिन में कर आज कार्यक्रम आम आम प्रिय बाबुली भाई सुप्रामेटाल इभेल्युएसन अर्थात अतिमानस बर्तन विषय शुणा यह साधु उद्यम पर राज्य पाठचक्र संगठन और आयोजक मान आस्था जोन तथा मयूरभंज जिला संगठन पक्षर साधुवाद ज्ञापन करने सहित माँ के निकट कृतज्ञता जनाऊँ श्रीमा श्रीवंद जोगदर्शन और कर्मधारार सफल रूपायन निम्ते सार्थक जंत्र होगा निज जीवन दैनंदिन कार्यक्रम को मातृधारे परिप्रकाश करवा आम भितर जिते शुद्धता साधुता तैयारी करते सांगठनिक स्तर में सुंदर परिप्रकाश घट पुनश्च आउ थे समस्त को साधुवाद जन स्वागत संभात पर्व सांग करुच्ची वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कल्याणमयी माँ परमप्रभु श्री अरविंद समस्त को सप्रेम नमस्कार और शुभेच्छा गत 9/7/2019 जिला सांगठनिक बैठक में गृहीत प्रस्ताव अनुजाई कार्यकारी होता मातृकर्मधारार एक संक्षिप्त बरणी आपण अवगति निम्ते उपस्थापन करुच्छे मयूरभंज जिले में माँ का कार्य अनवरत चलता चलुच और चलो गत 11/8/2019 रायरंगपुर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र परिसर में जिला सांगठनिक प्रथम त्रैमासिक बैठक अनुषित होता
ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ 16/9/2019 19/9/2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁଲି ଭାଇ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅପର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ସରୋଜ ଭାଇ, ଆସ୍ଥାଜନ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ନାରାୟଣ ଭାଇ, ସଂଯୋଗ କପିଳ ଭାଇ ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବାବିଲ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅପା ଭାଇ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ଭାଇ, ଶଶିକାନ୍ତ ଭାଇ, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଦତ୍ତ ଭାଇ ଓ ଜୟ ଭାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କପ୍ତିପଦାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗଦାଧର ଭାଇ, ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ଗଣେଶ ଭାଇ, ଜୟନ୍ତ ଅପା ଇତ୍ୟାଦି ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପା ଭାଇ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କପ୍ତିପଦା ପରିସରରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ଓ 3 ତାରିଖ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପାଦକ ବାବିଲ ଭାଇ ଓ ମହିଳା ପାଠ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ଆବାହିକା ଟିକି ଅପାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ସରେନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସାରସକଡ଼ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁ ଓ ଉଦଳ ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଡ଼େଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସୁଶ୍ରୀ କମଳିନୀ ମିଶ୍ର, ସୁଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ଚୌଧୁରୀ, ସଙ୍ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଷମା ପରିଡ଼ା, ମନୋରମା ଅପା, ଜୟନ୍ତୀ ଅପା ଓ ଦୀପ୍ତି ଅପା ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗଦେଇ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 970 ଜଣ ଶିବିରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 8/11/2019 ଦିନ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ତୀରଧାମ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବେତନଠାରୁ ହରିପୁର, ବାରିପଦାଠାରୁ କୁଜିଲି, କପ୍ତିପଦାଠାରୁ ଉଦଳା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରୁ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଠଚକ୍ର ସମନ୍ୱୟ ଯାତ୍ରା ବାହାରି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାଠଚକ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀତନୁ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ମୃତିମାନ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 22, 23, 24 3 ଦିନ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁଜିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 213 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପା ଭାଇ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଗତ 27/28 ନଭେମ୍ବର 2 ଦିନ ଧରି ଆସ୍ଥାଜନ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କୁଳିଗଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 45 ଜଣ ଶିବିରାର୍ଥୀ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମା କାନୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିବିରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ଡାକ୍ତର ମଦନ ଭାଇ, ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ ଏବଂ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗତ 25/12/2019 ଦିନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମାତୃକର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 29 ଦିନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଣିଦାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠଚକ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ପୁନରାୟ ମାତୃକର୍ମରେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ପୂଜ୍ୟ ଗଦାଧର ମମ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଲି ଭାଇ, ଏଥିସହିତ ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଅଭିଶୁ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଗଭୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମେ 24 ରବିବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସଂଗଠକ, ଦଶ କର୍ମଧାରାର ଆବାହକ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଏବଂ ଜୋନାଲ ଆବାହକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫୋନ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 9 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚେତନାପୂର୍ବକ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠକ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହମତିକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କ
ए वर्ष दायित्व किसी परिवर्तन करा ना स्थिर कर 2019-20 वर्ष में जिले में जो सब कार्य हाथ को नहीं तहार एक समीक्षा होता तात्पर्य 2020-21 वर्ष पर जिले में किसी गुरुत्वपूर्ण कार्य करने स्थिर कर एक बालेश्वर जिलार 700 अधिक श्री अरविंद पाठचक्र 135 अधिक महिला पाठचक्र 57 अधिक छात्र पाठचक्र रही परी समुदाय 900 अधिक श्रीरंद पाठचक्र गुड़ी किपरी चेतनार सहित आग को बढ़ा जा पार से समस्त मातृप्रेमी मैंने माँ को प्रार्थना करने सहित नूतन पाठचक्र उद्यम अब्याहत रखे स्थिर कर द्वितीय बालेश्वर जिलार 44 श्रीरंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अभाव मान को नहीं फोन कॉन्फ्रेंस माध्यम रे शिक्षा संपर्क में विभिन्न आलोचना रही बोली स्थिर कर तृतीय न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट रो आह्वान क्रमे बालेश्वर जिलार समस्त पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अध्यक्ष अपा भाई और कर्मकर्ता माने शिक्षा केन्द्र विभिन्न कार्य को सुचारू रूपे संपादन करने न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट रो कथा को सब सम्मान देवा सहित सब सचेतन रहा स्थिर कर चतुर्थ पूर्णांग शिक्षा केन्द्र दायित्व अपा भाई माने विभिन्न समय ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय शिक्षा शिविर छात्र सम्मेलन अध्यक्ष संपादक एवं सभापति सम्मेलन करने को चेष्टा करेंगे पंचम जिलार श्री अरविंद समाधि मंदिर को से ही ब्लॉकर ब्लॉक संगठक एवं आलोक सेना भाई माने सप्ताह थरे जाई समाधि मंदिर परिष्कार परिच्छन्न करने सह समाधि परिसर थिबा फूल बगिचार जत्न नेबा पई स्थिर करागला षष्ठ समस्त संगठक महाश्रंदर मूलेखा पढ़ा सहित स्वाध्याय शिविर और आलोकसेना शिविर किपरि करेंगे से सदा प्रचेषा जारी रखिए सप्तम मसर शेष रविवार बालेश्वर जिलार समस्त ब्लॉक संगठक दशकर्मधारा संगठक जिला आवाहक पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अपा भाई और पाठचक्र भाई भी मानक नहीं सांगठनिक बैठक किपर हो पार प्रयत्न करेंगे वर्तमान फोन कॉन्फ्रेंस माध्यम यही कार्यक्रम चालू रहिब लॉकडाउन परवर्ती अवस्था समस्त कार्य पूर्वपरी चालू रखापी निष्पत्ति अष्टम दशकर्मधार समस्त विभाग मध्य किसी कार्य को जिला स्तर में किपर सुचारू रूप संपादन कर समस्ते दृष्टि देवाई स्थिर कर नवम विभिन्न समय महाशुंदर मूलेखा अध्ययन करपय को साधना सम्बन्ध में विभिन्न सन्देह दूर करने राज्य स्तर में साधक मानक नहीं प्रश्नोत्तर कार्य करने को स्थिर कर सर्वशेष बालेश्वर जिलार श्री अरविंद पाठचक्र संगठनर युव संगठक भाव यह एक दिव्य कार्य अंशग्रहण कर माँ का निकट कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आउ थे समस्त को विनम्र प्रणाम जड़े बालेश्वर जिलार श्री अरविंद पाठचक्र संगठनर संक्षिप्त बरणी पाठ को ये विराम दे परम प्रभु श्री अरविंद 2019-20 सांगठनिक वर्षटी आम भद्रक जिला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं गौरवान्वित वर्ष यही वर्ष आम जिलार तीनोटी मातृशक्तिपीठ जहाँ को आम श्री अरविंदर पवित्र समाधिपीठ भाव में जानती सेगुड़िक यथाक्रमे मातृपल्ली चरंपा दिव्यधाम चांदपाली एवं मातृपूजा साधनापीठ विष्णुबिंधा श्री अरविंदर श्रीतन प्रतिष्ठार रौप्य जयंती पालन करूँ उक्त कार्यक्रम में समस्त भद्रक जिला सहित ओडिशार विभिन्न प्रांतर अग्रगामी मातृसंतान मैंने जोगदे कार्यक्रम टी सरस सुंदर करने सहित आम समस्त को गौरवान्वित कर 2020 मसीहा भद्रक जिलार दुईट महान साधना केन्द्र यथाक्रमे श्री अरविंद सेवा समिति मातृपल्ली चरंपा और मातृनिकेतन बंदाल से पाठचक्र संगठन सुवर्ण जयंती पालन करूँ पाठचक्र संगठन दुईट से सुवर्ण जयंती कार्यक्रम बहु साधनाधर्मी कार्यक्रम हाथ को नहीं समग्र जिला को चलचंचल कर भद्रक जिला पाठचक्र संगठन मातृसंतान मानक साधना यज्ञ आहुति देवाई स्वाध्याय रूपक गृहत प्रस्तुत कर प्रत्येक मासर प्रथम रविवार और द्वितीय रविवार सांगठनिक बैठक आयोजित करने सहित दिव्य जीवन ग्रंथ और योग समन्वय पुस्तक क्रमान्वय वरिष्ठ मातृसंतान डॉक्टर गोलक बिहारी साहू और साहित्यिक श्रीजुक्त शांतनु दास द्वारा आयोजित करक्त कार्यक्रम गुड़िक भद्रक जिलार अधिकांश वरिष्ठ मातृसंतान मैंने जोगदे आलोचन सक्रिय अंशग्रहण कर ए वर्ष जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र दूलपदी ठारे आयोजित होई भद्रक जिलार 20 पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अपा भाई मानक नहीं एक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अन्नपाल ठारे आयोजित होई नवेम्बर 8 और 9 पूज्य बाबाजी महाराज शत दिवस भद्रक जिला पाठचक्र संगठन तार समन्वय यात्रा जारी रखी नूतन पाठचक्र 42 होई सब मिसाइला 274 पाठचक्र महिला पाठचक्र 60
श्रीरबिंद छात्र समाज दस टोटाल पाठचक्र से 344 श्रीरबिंद इंटेग्रल एजुकेशन सेंटर 20 कंप्यूटर एजुकेशन 3 इंटेग्रल सेंटर विथ हॉस्टल 8 एग्रीकल्चर यूनिट 3 प्रोडक्शन यूनिट नील डायरी फार्म 2 सेल सेंटर 20 सोविनियर 2 वाल मैगजीन 16 सेंटर्स हैविंग मिनिमम 1 एकर लैंड्स 10 यही सब कर्मकर्ता माने ए वर्ष दायित्व नहींचंती मार्च मास रे पर्यंत कोनोसी नुवा कार्यक्रम भी हे नाही जहाँ करा जाय छी केवल सामूहिक ध्यान कार्यक्रम गुड़िक भितर करा जाय छी जो आमर दर्शन दिवस रे केवल जिला स्तरीय ध्यान ही कार्यक्रम गुड़िक करा जाय छी आ विशेष किसी कार्यक्रम करा जाय पारने समस्त को पुनः धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदर अशेष कृपार यही शुभ अवसर में जाजपुर जिला श्री अरविंद पाठचक्र संगठन तरफ मु समस्त स्वागत करने संगे संगे जिलार चलित 2019-20 वर्षर सांगठनिक बरणी प्रदान करम जिले में श्री अरविंद पाठचक्र 395 महिला पाठचक्र 40 छात्र समाज 10 समुदाय मिशी 445 पाठचक्र अच्छी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र 28 छात्रावास सहित श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र 12 वर्तमान मु चलित सांगठनिक वर्ष से आम जिले में पालित होता मातृकर्जावली गुड़िक संक्षिप्त बरणी प्रदान कर जिलार श्री अरविंद न्यास मंदिर और मातृपादुका मंदिर मानक प्रतिष्ठा दिवस मान दिव्य परेश निर्दिष्ट दिवस मानक पालित होनीकोली स्थित न्यास मंदिर रौप्य जयंती उत्सव दुई दिन धरी पालित हो जिला स्तरीय क्रीड़ा उत्सव तथा कला परिषद ओ आलोक सेनार वार्षिक उत्सव श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र चित्री ठारे गत 12-12-2019 ठारु 15-12-2019 पर्यंत 4 दिन धरी पालित होइछि। पूर्वान्न गुड़िक क्रीड़ा अपराह्न गुड़िक आलोक सेना और संध्यारे कला परिषद कार्यक्रम गुड़िक अनुष्ठित होइछि। एथिरे 19 श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र समेत अनेक पाठचक्र उपभाई तथा पिला जोगदेई कार्यक्रम गुड़िक अंशग्रहण करथिले। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र डुबरी ठारे चलित वर्षर विज्ञान मेला गत 27-9-2019 दिन अनुष्ठित होइछि। एही कार्यक्रम रे 11 श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र माध्यम रे 51 प्रकल्प प्रदर्शित होइछि। श्री अरविंद महिला पाठचक्र सम्मेलनी जाजपुर ठारे 21-7-2019 और डाहाणीगेड़िया ठारे 10-10-2019 और 11-10-2019 दुई दिन धरी पालित होइछि। जिला स्तरीय छात्री सम्मेलनी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र नाउपाल ठारे गत 29-9-2019 तारीख दिन अनुष्ठित होइछि। 10 श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र तथा गोटे साधारण विद्यालय 140 जन छात्री अंशग्रहण कर जिला स्तरीय शिक्षक तालीम शिविर गत 6-9-2019 8-9-2019 तारीख 3 दिन धरी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र तारापुर ठारे श्रीयुक्त नारायण चंद्र अगस्ती परिचालन अनुष्ठित हो जाएगी। संपादक और अध्यक्ष बैठक मातृ सदन जाजपुर ठारे 2-2-2020 तारीख में अनुष्ठित हो जाए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन विशेष गुरुत्व दी जिला स्तरीय कृषि विभाग वार्षिक उत्सव श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र संखारीडीओ ठारे 29-12-2019 तारीख में अनुष्ठित हो जाए। श्री अरविंद साहित्य परिषद वार्षिक उत्सव मातृलम छतिया ठारे 16-2-2020 तारीख दिन अनुष्ठित हो जाए। श्री अरविंद युव छात्र शिविर 21-12-2019 ठारु 22-12-2019 तारीख पर्यंत श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रगड़ी ठारे और 18-1-2020 ठारु 20-1-2020 पर्यंत जाजपुर रोड मुंडवाला ठारे अनुष्ठित हो जाए। जिला स्तरीय कर्मी सम्मेलनी 12-7-2019 और 4-8-2019 तारीख पाणिकोली ठारे तथा 2-11-2019 ठारु 3-11-2019 पर्यंत चिंगुड़ीपाड़ा ठारे तथा 10-11-2019 तारीख दिन चित्री ठारे और 15-3-2020 तारीख दिन खेमेश्वर ठारे अनुष्ठित हो जाए। गत 24-11-2019 सिद्धि दिवस रे जिलार वार्षिक आध्यात्मिक पत्रिका मातृप्रभा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र चित्री आनुकूल्य उन्मोचित हो जातीत अनेक पाठचक्र से वार्षिक उत्सव निर्धारित दिन मानक पालन कर प्रत्येक मास जिलार 2 लेखाएं स्थान में
आंचलिक पाठ्यक्रम अनुष्ठित कोविड 19 पाई प्रस्तावित आउ किछि कार्यक्रम बातिल करा जाय छि। चलित वर्ष रे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र उड़ी करे समन्वित शिक्षा पद्धति उपरे विशेष गुरुत्व आरोप करा जाय छि ओ पाठचक्र गुड़िकर अधिक सक्रियता उपरे गुरुत्व दिया जाय छि। परम प्रभुर कृपारु हम जिल्ला रे मातृकर्म इभली भाबे चली छि। धन्यवाद। ओम श्री अरविंद मीरा वार्षिक विवरणी 2020 सामान्य मामू बाबुली भाई जिला तथा ओडिशार समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मैंने आज ऑनलाइन सांगठनिक सभा रे आपण मानको हार्दिक अभिनंदन जणाइबा सह स्वागत करुछी। आज कार्यक्रम विगत वर्ष मानु संपूर्ण भिन्न कोरोना और लॉकडाउन पाई ए जो परिवर्तन ता मध्य स्वागत योग्य कारण पूर्वर पाठचक्र टे जोग देवाई जीवा आसवर और आयोजन जो समय शक्ति और अर्थ व्यय होता ताकू संचय करी आम आते के नुआ कार्यक्रम कर समर्थ होवार लगी। द्वितीय आगुरु आम सप्ताह अतिवेश दुई तीन टी पाठचक्र जोग देखु एवं दिन को अनलाइन दुई तीन रु अधिक पाठचक्र जोग दे पारछु ताशार विभिन्न प्रांत तृतीय आम मैंने जो ऑनलाइन व्यवस्था सहित से जड़ित नु ता शिखा सहित अभ्यस्त होगा पड़ी अति मानसर दीर्घ यात्रा रे ये स्थूल और सूक्ष्म जगत रे ये परिवर्तन स्वाभाविक जहाँ ना कहीं सांगठनिक कार्यक्रम चालू रहइबो किंतु भिन्न रूपरे आगामी वर्ष पाई कार्यक्रम और आज विवरणी प्रस्तुति आम प्राय सब ब्लॉक रो संगठक माने गत 24/5/2020 तारीख में जजांग स्थित श्री अरविंद साधना केन्द्र एकत्र होइतिलु सेथिरे आमर ब्लॉक आवाहक दशकर्म धारा आवाहक मानकर तालिका रे परिवर्तन न करी पूर्व वर्ष तालिका कार्यकारी होवार स्थिर होला। गत वर्षर कार्यक्रम विवरण गत 23/7/2020 तारीख में मीरपाटना स्थित श्री अरुण पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ठारे जिला स्तरीय महिला पाठचक्र अनुष्ठित हो जाए। जिलार आग्रही बंधु मानू नहीं कुशाग्र एक सभा 11/8/2019 तारीख में गुआला सिंह स्थित श्री मीरा आश्रम अनुष्ठित होता बांकीमुंडा स्थित केन्द्रापड़ा जिलार श्री अरविंद पाठागार वार्षिक उत्सव पूज्य बाबाजी महान पवित्र जन्मदिवस 14/8/2019 तारीख में बांकीमुंडा स्थित उर्मिला आपा द्वारा निज बासभवन में परिचालित होता। राज्य स्तरीय श्री अरविंद लीगल यूनिट समावेश श्री मीरा आश्रम गुआल सिंह ठारे 10/11/2019 तारीख अनुष्ठित होता। आध्यात्मिक रूपांतर आवश्यकता संपर्क श्रीयुक्त सूर्यमणि महापात्र अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत खोर्धा और श्री प्रकाश चंद्र महापात्र अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत पूरी योगदान कर मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि भाव आलोचना करते। प्रिय मामू श्रीयुक्त गदाधर मिश्र सभापति अभिभाषण रखी और बबुली भाई कार्यक्रम परिचालना करते। पूर्व अनुष्ठित होता श्री अरविंद क्रीड़ा उत्सव रूपरेख बदल कर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षांद्र अपा भाई और पाठचक्र वयस्क मान को नहीं ता 1/12/2019 पर्यंत श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पात्रगढ़ सफलतार सह अनुष्ठित हो जाए। आलोक सेनार कार्यक्रम श्री मीरा आश्रम गुआल सिंह ठारे December 26 आरंभ कर 28 तारीख पर्यंत 3 दिन धरी शिक्षा पुस्तक मानसिक शिक्षा और मानसिक तपस्या संपर्क एक कर्मशाला अनुष्ठित हो। श्री अरविंद एग्रीकल्चर यूनिट तरफ स्वल्प अर्थ में परिवार रे बा पाठचक्र रे जैविक खत और कीटनाशक इत्यादि प्रस्तुत करिवार प्रणाली संपर्क 6/1/2020 तारीख में श्री मीरा आश्रम गुआल सिंह ठारे अनुष्ठित हो। श्री अरविंद इंजीनियरिंग एसोसिएशन आनुकूल्य जिला स्तरीय श्री अरविंद विज्ञान मेला 30/1/2020 तारीख एवं 31/1/2020 तारीख दुई दिन धरी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आलिकार ऐसणीय आध्यात्मिक परिवेश मध्य अनुष्ठित हो जाए। 15 शिक्षा केन्द्र प्राय 200 छात्र छात्री योगदान करते 35 प्रोजेक्ट अव्यवहित उपयोगिता संपर्क में प्रस्तुत होता। शेष दिन में मातृभवन रु समरेन्द्र भाई और जशोसिंह अपा उद्बोधन समस्त को उत्साह प्रेरणा जगह आगामी वर्ष कार्यक्रम प्रायत
सामान्य परिवर्तन सह यही भली रहिब नूतन कार्यक्रम भाव में गत 1/6/2020 तारीख रु जिला स्तरीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम कार्यक्रम आरंभ कर यहाँ फ्री कॉन्फ्रेंस आप माध्यम रे प्रति सोमवार राति 8:00 to 8:45 पर्यंत चलो एथिरे मातृरचनावली पंचम खंड पुस्तक आरंभ कर उक्त पाठ्यक्रम नाम दिव्यालोक रखी एवं दिव्यालोक नाम एक व्हाट्सएप ग्रुप गठन कर शेषे माँ पाखे अशेष कृतज्ञता और आपण मानक प्रणाम और धन्यवाद जना बरणी पाठ शेष कर नमस्कार मु रविंद्र कुमार राउत जिला संगठक जगतसिंहपुर 2020 सांगठनिक बरणी पाठ कर चलित बर्ष 2020 जगतसिंहपुर जिलार समुदाय पार्षद संख्या 825 से महिला पार्षद संख्या 75 छात्र समाज संख्या 85 और साधारण पार्षद संख्या 665 अच्छी जिलार समुदाय शिक्षानुष्ठान संख्या 31 समुदाय अपवाही संख्या 403 और छात्र छात्री छात्रावास संख्या 8 विक्रय केन्द्र 10 कंप्यूटर शिक्षा केन्द्र 10 विद्यालय चालू अच्छे वार्षिक पत्रिका गोटे एवं प्राचीन पत्रिका 16 मोट 17 पत्रिका विभिन्न शिक्षानुष्ठान मानक वर्षर विभिन्न समय प्रकाश पाई प्रथम जिला स्तरीय सांगठनिक बैठक 4 August श्रीमा श्री अरविंद भवन राजपुर ठार अनुषित हो वार्षिक कार्यपन्था गुड़ आलोचना कर गृहत होता 14 August पूज्य बाबाजी महाराज पुण्य जन्मतिथि समस्त शिक्षानुष्ठान मानक पालन कर 26 और 4 September प्राथमिक शिक्षक तालीम शिविर यथाक्रमे पंकपाल और बनाइल ठार अनुषित होता 18 October प्रणबदायक जन्मदिन जिलार प्रत्येक विद्यालय मानक पालित होता 2 October राज्य संगठिका डॉ विजयनी महापात्र तत्वावधान और कुमारी बनराशिनी दास परिचालन खंबाकुल जिला स्तरीय श्री अरविंद महिला पाठ्यक्रम सम्मेलन अनुष्ठित होता 8 December सियाड़ी बेलाभूमि पर्यटन चलित एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम आयोजन कर एथिरे जिला तथा तो जिला बाहर बहुत मातृभक्त योगदान करी परम प्रभु श्री अरविंद योगदर्शन विषय आलोचना करते 9, 10 और 11 श्री अरविंद निवास जगत सिंहपुर ठारे परम प्रभु श्री अरविंद पवित्र देहांश प्रतिष्ठार 50th वार्षिकोत्सव जिला स्तरीय पाठ्यक्रम सम्मेलन पुरातन छात्र छात्री मान सम्मेलन और महिला पाठ्यक्रम सम्मेलन अनुष्ठित होता 30 December बालिकुदा ठारे ब्लॉक स्तरीय मिलित पाठ्यक्रम बैठक दिव्यजन पाठ्यक्रम बालीसाही बालिकुदा ठारे अनुषित होता परम प्रभु श्री अरविंद देहांश प्रतिष्ठान सुवर्ण जयंती पालन ब्लॉक स्तरीय प्रथम बैठक अनुषित होता 2, 3 और 4 जिला स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव एवं विज्ञान प्रदर्शनी श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कलपीठ अनुषित होता 9 श्री अरविंद सेवा संस्था कटरा ईशापुर परम प्रभु श्री अरविंद देहांश प्रतिष्ठा 10th वार्षिक उत्सव पालित कर 18 श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र साड़ेपुर नावगाम ब्लक मिलित पाठ्यक्रम तथा श्री अरविंद देहांश प्रतिष्ठा सुवर्ण जयंती ब्लक स्तरीय उत्सव अनुषित होता 9 श्री अरविंद निवास और जगतसिंहपुर जिला श्री अरविंद पाठ्यक्रम संगठन मिलित अनुकूल जिला संस्कृति भवन जगतसिंहपुर ठारे पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम विशिष्ट स्नातक पद्मभूषण श्रीयुक्त मनोज दास प्रश्नोत्तर कार्यक्रम और अभिभाषण जिलापाल और स्थानीय विधायक सहयोग में अनुषित होता प्रकाश था कि चलित बर्ष कोरोना संपर्कित सरकार तालाबंद घोषणा जगू परवर्त स्थिरी पूज कार्यक्रम गुड़ाक स्थिर कर परम प्रभु शरविंद पुरी जिलार समस्त आवाहक आवाहिका एवं संगठक संगठिका अपाहय मैंने मोर साधार प्रणाम एवं अंतर शुभेच्छा एवं एक संक्षिप्त बरणी नवेदन करुच्ची 1/8/19
कुंद्रा गो ब्लॉक रे युवा छात्र शिविर अनुष्ठित होता है। एगार आठ उन्नीस सत्यवादी ब्लॉक रो महिला पाठचक्र कर्मी सम्मेलन अनुष्ठित होता है। पंद्रह आठ उन्नीस श्रीविंद बर्थडे ऑब्जर्वेशन पिपिली आश्रम ठारे अनुष्ठित होता है। यापर आम चारिदिन धरी विभिन्न ब्लॉक रे पूज्य निराकार भाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनुष्ठित होता है। सतर नौ उन्नीस ब्रह्मगिरी ठारे एवं अठर नौ उन्नीस निमापड़ा डॉक्टर मनमोहन महांती वासगृह अनुष्ठित होता। तार उन्नीस नौ उन्नीस गुड़िया पोखरी आश्रम ठारे अनुषित होता। तार कोड़े नौ उन्नीस बावरेर इंटीग्रल स्कूल अनुषित होता। तार बैश नौ उन्नीस श्रीविंद पाठचक्र कर्मी सम्मेलन काकटपुर ब्लॉक ठारे अनुषित होता। तापर तीन एगार उन्नीस महिला पाठचक्र ब्लॉक स्तरीय ब्रह्मगिरी ब्लॉक अनुषित होता। तार नौ एगार उन्नीस डेलांग ब्लॉक महिला पाठचक्र कर्मी सम्मेलन ब्लॉक लेवल अनुषित होता। दस एगार उन्नीस नियापड़ार अंडिया साइट अबा मान द्वारा महिला पाठचक्र कार्यक्रम अनुषित होता। एगार एगार उन्नीस गो ब्लॉक कुंद्रा ठारे महिला पाठचक्र अनुषित होता। तार अंतीश एगार उन्नीस ब्लॉक लेवल श्रीविंद पाठचक्र कर्मी सम्मेलन रिपिलर विभूति भूषण सेठी वासगृह अनुषित होता। दुई दिन धरी छः बार उन्नीस एवं सात बार उन्नीस पिपिली ब्लॉक इंटीग्रल स्कूल रास्ते स्पोर्ट्स मीट अनुषित होता। बार बार उन्नीस तेर बार उन्नीस दुई दिन धरी पूज्य बाबुली भाई सरोज भाई अपर्ति भाई कपिल भाई एवं सुकांत भाई विभिन्न इंटीग्रल स्कूल को सद्भावना यात्रा करा जायतिला। आपरे 22 बार 19 रे सप्तम वार्षिक महिला पाठचक्र कर्मी सम्मेलन निमापड़ा ब्लॉक रो सेवळ साई इंटीग्रल स्कूल ठारे अनुष्ठित होता। तार 25 बार 19 रे जिला स्तरीय महिला पाठचक्र कर्मी सम्मेलन श्रीमधाम पुरी ठारे अनुष्ठित होता। 26 बार 19 27 बार 19 दुई दिन धरी युव छात्र शिविर अस्तरंग ब्लॉक रो बारवे ठारे अनुष्ठित होता। 10 तारीख ठारु 12 तारीख तीन दिन धरी डिस्ट्रिक्ट लेवल युव छात्र शिविर श्रीमधाम पुरी ठारे अनुष्ठित होता। तापर उन्नीस एक कोड़े श्रीविंद महिला पाठचक्र कर्मी सम्मेलन कणास ब्लॉक अनुषित होता। कोड़े एक कोड़े पंचम वार्षिक कर्मी सम्मेलन ब्लॉक स्तरीय कर्मी सम्मेलन ब्रह्मगिरी ब्लॉक अनुषित होता। एक दुई कोड़े पूज्य मामु श्रीयुक्त गदाधर मिश्रों द्वारा गुड़िया फैक्ट्री आश्रम मदर्स रूम उन्मोचन कराइला। अठाईस दुई कोड़े पूरी श्रीविंदधाम समाधि प्रतिष्ठा दिवस पालन कराइला। तार अंतीस दुई कोड़े पिपिली आश्रम आमर गोल्डन डे ऑब्जर्वेशन करा जायतला। तापर एक तीन कोड़े डेलांग ब्लॉक रो श्रीविंद पाठचक्र कर्मी सम्मेलन कल्याणपुर श्रीयुक्त पठाणी प्रधान वासगृह ठार अनुषित होता। तेईस तीन कोड़े सत्यवादी ब्लॉक रो मधुबन ग्राम रे श्रीविंद पाठचक्र कर्मी सम्मेलन अनुषित होता। तीन दिन धरी सतैश तीन कोड़े अठाईस तीन कोड़े अंतीश तीन कोड़े ऑनलाइन माध्यम रे सत्यचेता आश्रम आमर गुड़िया पुर श्रीविंद पाठचक्र कर्मी सम्मेलन बनकलता देवी स्मृति उद्देश्य पालन कराइला। कार्य सब संपादन कराइला एक संक्षिप्त बरणी प्रदान कराला। एम पुरी जिले में साधारणतः आम रही एगार ब्लॉक स्कूल संख्या बारटी रिलिक्स सेन्टर श्रीविंदधाम ठारे गोटे पादुका इनस्टल सेन्टर अस्तरंग बारे गोटे पाठचक्र संख्या संध्या पाँच दस टी आम आगक रखीचु सब स्कूल कलेज मानक विभिन्न पाठचक्र अनुषित होवार योजना रही। सहित पंचायत स्तर में कार्यक्रम हाथ को नवार योजना रखीचु एवं आम ऑनलाइन माध्यम माँ बही चिरंतनी पाठचक्र संगठक संगठिका भाई मानक नहीं अबा भाई मान नहीं कि आम चलु रेड्स एंड मेडिटेशन बुक प्रतिदिन ऑनलाइन माध्यम पाठचक्र विदाय नौ वंदे मातरम। श्रीमा श्री अरविंद वार्षिक बरणी ऑनलाइन कार्यक्रम खोर्धा जिला वार्षिक श्री अरविंद पाठचक्र सम्मेलन उपस्थित परम पूज्य श्री गदाधर मिश्र मामू श्री प्रसाद त्रिपाठी पूज्य बाबुली भाई परम प्रिय कपिलास प्रसाद भाई उपस्थित समस्त मातृसंतान भाई अपा महावतार परम जोगेश्वर श्री अरविंद दिव्यजननी करुणामयी श्रीमांकर अपार करुणारु ओडिशारे मातृकर्मधारार आउ एक नूतन दिगंत उन्मोचन होइछि। श्रीरविंद होछन्ति भविष्यतर तेणु प्रत्येकटि दिव्य मुहूर्त एक नूतनत्व प्रदान करि विश्व वातावरणरे ओ चेतनारे एक विशाल परिवर्तन घटिबाकु जाउछि। एहि कार्यक्रमकु माँ प्रभु सूक्ष्म स्तर रही
सीधासळख संपादन कराउछन्ति। एई परिप्रेक्षीरे आम मानंकर अंतःप्रस्तुति उपरे आमर अग्रगति निर्भर करुछि। एई महान कर्मर अंश स्वरूप खोर्धा जिला पाठचक्र संगठन साध्यमते निरवच्छिन्न भावे तार कार्यक्रम जारी रखिछि। संगठनर कार्यक्रमर व्यापकताकु विवरणीरे प्रकाश करिबा संभव नुहे, एहा प्रतिमुहूर्तर अनुभवर वास्तवताकु बहन करिथाय। चलित वर्ष खोर्धा जिलार दशकर्मधारार विभिन्न कार्यक्रमकु हातकु नियाजाइछि। दशकर्मधारार नूतन संगठनमानंकु ग्रहण कराजाइ विभिन्न कार्यक्रम कराजाइछि। पाठचक्र शिक्षाकेन्द्र अपाभाइ मिलिमिशि प्रत्येक कार्यक्रमकु संपादन करिबा पई होइथिबा पूर्व निष्पत्तिकु गुरुत्व सहित कार्यकारी कराजाइछि। चलित वर्ष 2020-21 मसिहा निमन्ते जिला पाठचक्र संगठन तरफरु दुईट पर्यायर मातृभार कालपड़ा घाट में बैठक अनुषित हो विभिन्न कार्यक्रम हाथ को निया किंतु फेब्रुआरी पूर्व जो कार्यक्रम गुड़िकाई फेब्रुआरी मार्च मस पर जो कार्यक्रम गुड़िका स्थगित रही। खोर्धा जिले में मोट 34 श्रीअरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र या सत्वे भुवनेश्वर से 14 बेले अन्य 20 जिलार विभिन्न स्थान अवस्थित एमानक मध्यरे 16 शिक्षा केन्द्र रे हाई स्कूल पर्यंत शिक्षा दान कराउछि। खंडगिरी ठारे प्लस टू विज्ञान पढ़ार सुविधा अछि। 18 स्थान रे विक्रय केन्द्र और 5 शिक्षा केन्द्र रे छात्रावास रहिछि। खंडगिरी और कालपड़ा घाट रे 2 गोशाला और चाष कार्य कराउछि। प्रति मास रे विभिन्न शिक्षा केन्द्र रे शिक्षक पढ़े मानंकर समावेश होइछि। भुवनेश्वर रे भ्राम्यमान पाठचक्र मंत्रमयी सावित्री और दिव्य जीवन ग्रंथर आलोचना निरवच्छिन्न भाव में चली। जिले में प्रत्येक वर्ष जून 14-15 सोहर मातृभार कालुपाड़ा घाटे रज शिविर, डिसेम्बर 9-10-11 मातृभार खंडगिरी ठारे राज्यस्तरीय श्रीअरविंद पाठचक्र सम्मेलनी, जानुरी द्वितीय शनिवार रविवार मातृभवन जटनी ठारे पाठचक्र सम्मेलनी और जून 24-25 सुनाखाल ठारे शिविर उत्साह सहित पालन कर। जिले में सर्वमोट 8 स्थान में श्रीअरविंद पवित्र ध्यान से स्थापन करें अशेष दिव्य कृपा लाभ करूछु। आज अनलाइन पाठचक्र कर्मी सम्मेलन आम खोर्धा जिलार आउ शिक्षा केन्द्र सब भाई मैंने ये कार्यक्रम को देखुवर और जोगद मु समस्त सादर अभिनंदन जनावि। ये महान उद्यम राज्य पाठचक्र कमिटर समस्त भाइप को हृदय अभिनंदन जनावि। सर्वोपरि परमाजननी श्रीमा परम प्रभु श्रीअरविंद चरण कमल समस्त कार्यक्रम को निवेदन कर एक संक्षिप्त बरण को सांग करुच्छी बंदे मातर। आदरणीय भौनी माने एवं श्रद्धेय भाई माने आज जुलाई 9 तारीख आम मैने आज था बारिपदार मयूरभंज जिलार सांगठनिक सम्मेलन आज जोग दे था एवं आज को मिसाई मु जो विषय आज आलोचना करने जा 8 थर कही सारी था कारण आम गोटे विषय ही 30 दिन रे से एका कथा ही आलोचना करूँ किंतु चलित बर्ष आज प्रथम करी ए विषय में आलोचना करी एवं ए विषय आउ आलोचना हम ना कारण 30 जिलार समस्त को आज अनुरोध कराई शुणाप समस्ते संपुक्त थे। आज से दृष्टि चलित बर्ष आलोचना एवं अन्यान्य सब कार्यक्रम गत वर्ष मान तुलना निश्चय स्वतंत्र ए विषय आम सूचना पाई सारी। भाई भाई माने मोर आलोचनार विषय हूँ अति मानसिक विवर्तन सुपरमेंटल इवोल्यूशन एवं कहवा बाहुल्य माँ श्रीअरविंद माँ श्रीअरविंद अनुगत जिते साधक गण जिते ए संपर्क रे अधिक पांडित्य अर्जन करते
जो गोटे विषय सबुठ बेसी आलोचना करपरामेटाल अतिमानस तत्व माँ और शिविंद स्वतंत्र से मैने पृथ्वी रे अवतार ग्रहण करिया पछरे कारण होता मनुष्य को मनुष्यर परवर्ती अवस्था को नवा जहाँ को कही के कल्पना करना चिंता करना विश्वास करना धारणा भी करना विषय को आलोचना करने मु चेष्टा करी खूब अल्प केतोटी बहुत प्रचलित बाणी जो बाणी की आम मैंने समस्ते जानू से संपर्क आलोचना करूँ विभिन्न समय रे उदाहरण देव क्या से बाणी नुआ लगे से बाणी मध्यम प्रसंग को आसी यथासंभव चेष्टा करी उपस्थापन करने विषयटी है अतिमानस विवर्तन सुप्रामेंटल एवोल्यूशन मु सबुठ कमन मेसेज सबुठ कमन बाणी से आरंभ करुच्ची माँ बहर प्रथम धाड़ी जो महान जो दुरूह कार्यटी आम मान साधन लक्ष्य यही शब्द पर मुझे आलोचना करी कार्यटी हूँ महान एवं दुरूह एवं साधनार लक्ष्य हूँ ता कार्यटी कौन पर महान कारण ताधिक महन कार्य ना मनीष को अतिमानव कराब जदि आम अन्य भाषा को मनीष को भगवान ने परिणत कराब आम जो इंटीग्रल स्कूल मानक जाऊ सीधा सीधा कहलु बुझीच कि इंटीग्रल एजुकेशन कौन मनीष को भगवान करवा सहज बुझी जा आउ कति कष्ट मनीष को भगवान ने रूपायित कराब सुप्रामेंटल इवोल्यूशन अर्थ हूँ मनीष मनीष पर जो अवस्था अतिमानव हम यह अधिक महनीय कार्य कल्पना करा जाई पड़ेगा महनीय एक दृष्टि जे मनीष वर्तमान ताठू अधिक महनीय कार्य किसी ना यही कार्य संपर्क अनेक आलोचना है जन को डिवाइन हवा बा भगवान हवा बाटे अतिमानव हवापाई बाध्य अतिमानव बाट दे ही जीव जड़े कि माँ को थे प्रश्न करते माँ आर यू गॉड माँ कहले दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू एनीबॉडी एंड पोटेंशियली यस एक समस्त को पचार जाए करदी कहुए सामर्थ्य दृष्टि समस्त भितर संभावना अच्छी भगवान हाँपी वर्तमान स्टेज में आम कह आम भितर समस्त भितर सामर्थ्य अच्छे अतिमान हाँपी आम यही कहचु ये कार्यटी अत्यंत महनीय एवं दुरूह कहीं दुरूह कहीं दुरूह हो न था कौन आज बाकी था कि जदि ये कार्यटी दुरूह हो न था एत जोगी ऋषि एत अवतार एत साधु सन्त आसी तपस्या करिए अनेक सिद्धि उपलब्धि पाई जाती कहीं तार कारण हूँ एत कष्टकर कार्य जे यह असंभव भाविकी स्पर्श करना ए कार्यटी अत्यंत महनीय कार्य एवं अत्यंत दुरूह कार्य हम किपर श्रीरबिंद सांगे सांगे पछे दुईटी शक्तिर संयोग संपन्न हो पाए निम्न रु आह्वान कैसे स्थिर अप्रतिहत आस्फुर उपर उत्तर दिए परम भागवत करुणा मो आहरी आग को जी माँ भई शिविंद जब लिखे जो प्रकाश है तार बहुत आरंभ को मुझे बहुत पूर्व को 1914 मसीहा मार्च 29 तारीख शिविंद को साक्षात कले माँ
प्रथम साक्षात 30 तारीख दिन तापर दिन जो बाणी देले मुझे आप मन को बहुत सहज सरल एवं प्रचलित बाणी सब देवी जो बाणी आम बुझीपर श्रीअरविंद को देखु देखु माँ कहले 30 तारीख दिन कहले इट मैटर्स लिटिल दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बीइंग्स प्लंज इन द डेंसेस्ट इग्नोरेंस ही हुम वी सॉ यस्टरडे इज ऑन अर्थ हिज प्रेजेंस इज एनफ टू प्रूव दैट अ डे विल कम व्हेन डार्कनेस शैल बी ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एंड थाय रेन शैल बी इंडीड एस्टैब्लिश्ड अपॉन अर्थ शत शत जीव जदि गाढ़तम अज्ञान मध्य डुबी रही था किसी जाए ना काली मो जहां को देखिली से पृथ्वी उपर विद्यमान तांकर उपस्थित ही यथेष्ट प्रमाण जे एपरि एक दिन आसिब जत अंधकार आलोक रूपांतरित हेबो एवं तुम राज्य यथार्थ रे पृथ्वी उपर प्रतिष्ठित हेबो कि आश्वासना कि विश्वास कौन असुविधा है संसार रे केते असुविधा तुम कल्पना करिबो को प्रकार समस्या ही कह ये कौन सी समस्या तागर तिष्ठिब ना जे आसी संसार को जे पृथ्वी की आसी प्रमाण हो जा देखु देखु माँ चिन्हगले ये हूँ त्राणकर्ता जेते जेते अंधकार सब अंधकार आलोक रूपांतरित हे जेते अज्ञानता परिवर्तित होइजो रूपांतरित होइजो श्री रामचंद्रंकर जन्मर प्रमाण होची रावणर मृत्यु श्री रामचंद्र पृथ्वी रे अवतार नहींचंदी तार अर्थ रावण ही निधन हब श्री कृष्ण आसचंदी अर्थ कंसर मृत्यु हब अनिवार्य श्रीअरविंद आसचंदी अर्थ जेते अज्ञानता जेते अंधकार ता दूर हब ही हब एक कथा 1914 मसीह माँ शिवंद को देखु देखु जानले अर्थात जो दुरूह जो महान कार्यटी करवाई आमर जीवन लक्ष्य वम साधना लक्ष्य बोली शिवंद घोषणा कले तार समाधान किए देवे सिद्धांत हो गला से 1914 मसीह सेप्टेम्बर 25 रे ध्यान प्रार्थन प्रयास मेडिटेशन में लिखिले द लॉर्ड हैज विल एंड दाउ डस्ट एग्जीक्यूट ए न्यू लाइट शैल ब्रेक अपॉन द अर्थ ए न्यू वर्ल्ड शैल बी बॉर्न एंड द थिंग्स दैट वे प्रॉमिस्ड शैल बी फुलफिल आउ बाकी रहिला नै आउ अवकाश रहिला नै संदेहर माने जो घोषणा कले एठी माँ कहले भगवान सिद्धांत करिबे बा करिचंती तुम्हें ताहाको पालन करिबो तुम्हें ताहाको कार्यकारी करिबो एक नूतन आलोक पृथ्वी अवतरण करिबो एवं एक नूतन जगत सृष्टि हम जहाँ जहाँ सब प्रतिश्रुति दि जाइए से सब पूर्ण कर दिजा एक कथा 1914 सेप्टेम्बर 25 माँ बही बा शिवबिंदु जितेबले अतिमानस तत्व पर कहवा आरंभ कले तापरे ता केते पूर्व माँ एक घोषणा कर सकते 1914 मसीह ये कथा करा जीवन निश्चय एक हम ही हम आम जानू सरी 1926 नवेम्बर 24 अधिमान सिद्धि शिवबिंदु सिद्धि माँ शिवबिंदु सिद्धि तापर शिवबिंदु एकांत साधना को चलीगले तापरे अतिमानस प्रबल आलोचना करा जाए एपरिकी लेटर्स एंड योगर जो योग पत्रावली तार प्रथम जो चैप्टर केवल अतिमान संपर्क इवोल्यूशन सुप्रामेंटल इवोल्यूशन ये तो अतिमानस अवतरण है ना अतिमानस अवतरण है ना कि ये कथा आसला कड़ू एत कथा श्रीअरविंद आलोचना कले कड़ू
अवतरण होगा बहु पर आम जानी केबे अवतरण होगा माँ से विषय बहुत सुंदर लिखते माँ कहते द प्रमिज श्रीविंद हाज मेड एंड बेस्ड इट ऑन द नॉलेज ही हैड दैट द सुपरमेंटल फोर्स वाज ऑन द पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टिंग ऑन द अर्थ इन फैक्ट इट हैड डिसेंडेड इन हिम लॉन्ग अगो ही न्यू इट एंड न्यू व्हाट इट्स इफेक्ट्स वेयर अतिमान शक्ति पृथ्वी पृष्ठ से अवतरण करा बहु पूर्वर ता ना ये ज्ञान ये जो लेखा ये जो कल्पना चिंता जो विचार ये सब काल्पनिक नुह कहानी नुह जहाँ जहाँ सब श्रीविंद अतिमान संपर्क में आलोचना कर जो अधिकांश पढ़ी थे निश्चय अधिकांश पढ़ी थे कारण से तो आम सब कमन सब्जेक्ट ताकू जो मैंने पढ़ी थे निश्चय गोटे धारणा हम ए विषय जड़े निजे सिद्धि उपलब्धि ना अनुभव ना ये कथा एत व्याख्या कर लिखिपर किपर माँ से कथा कहते स्पष्ट भाव जिते बड़े श्रीविंद लिखे ता बहु पूर्वर भितर यार अवतरण घटी सारी अतिमानस अवतरण घटी सारी आमे विवर्तन कहले कौन बुझु विवर्तन कहले आम जमी बुझाई आम जमी जानचु सर्वोत्तम सुप्रीम निजे संपूर्ण निश्चेतना भितर निजुक निपतित करवर्तित होती धीरे 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 ऊर्ध को विवर्तित हो चलते जड़ जड़ पर प्राण प्राण पर मन मन पर अतिमानस कथा पड़े यो विवर्तन ऊर्धतम गति सब बेले गोटे उच्चतर शक्तिर प्रभाव रही कौन सी जो उच्चतर शक्ति पृथ्वी पृष्ठ से प्रकाश होगा जाऊँ से उपर ही अवतरण करते मन शक्ति उपरू मानस अवतरण कर तलु प्राण भितर मन आस्पृहा कर प्राण आस्पृहा कर उभय को एकाठी संगठित होगापर मानव जाति सृष्टि अतिमानस मध्य ठीक से भली श्रीविंद कहले ऊर्धर अवतरण कर निम्नर आह्वान हम ऊर्धर उत्तर देवे ये उत्तर देवाप जी से निजे प्रस्तुत हो सारे मु श्रीविंद पत्रावल जो प्रश्नोत्तर जो पत्र से देखते अल्प किसी संग्रह कर मो धारे मुड़िया करतेटा बाणी से आलोचना कले आप बहुत उपादाय हे गोटे है अतिमानसिक अवतरण में समग्र मानव जाति एकावेक अतिमानव हो बुझार कि असुविधा नहीं मनुष्य जमी या मनुष्य सृष्टि सागे सागे समस्त मनुष्य हो गले धीरे धीरे होते जपरी मन चेतना जिते बड़े प्रकाश है से प्रथम चिंताशील मन एवं साधारण जीवन में मानव प्रकाशित है ठीक सेपरी अतिमानसिक विवर्तन धारे प्रथम किसी अतिमानसिक सत्ता प्रकाशित हे बर्तन सीढ़ी से मानसिक सत्ता मैंने समस्ते शेष हो जाए ना मात्र गोटे स्तर भाई रही बहुत प्रश्न आसला पर माँ सागरे क्वेश्चन आंसर कराई श्रीविंद खाली पत्र श्रीविंद सागर साधक मैंने आलोचना करूँ माँ विषय अति व्यापक भाव में आलोचना कर संपर्क कौन हम कौन हम कौन हम जमी मनुष्य सृष्टि पशु मैंने भी अच्छा ठीक सेमती मनुष्य पर अतिमानव जाति हेले कहीं गोटे मनुष्य स्तर कहीं रे ना से मैंने भितर से प्रस्तुति होना अतिमानस हाँपी अतिमानव हाँपी अतिमानव हाँपी भर गोटे प्रस्तुति दरकार आम अतिमानव एवं अतिमानव शक्ति भर तफात होतीमान शक्ति जो मनुष्य भितर प्रस्तुति नहीं कार्य करते अतिमानव हम नचे समग्र पृथ्वीर वातावरण अतिमान शक्ति क्रिया कर ये हूँ अतिमानवर स्वतंत्रता से जीए प्रस्तुत जमी धरतु क्लास परीक्षा है परीक्षा जीए निजे प्रस्तुत हो पारा उपर श्रेणी जाए उपर श्रेणी चलीगला जे प्रस्तुत हो पारे से अपेक्षा कला आज किसी दिन आम जो किसी कौन वर्ष गोटे सर आम आलोचना करते जो माँ को प्रकांड बोर्डर भिजिन से जगह माँ कहले जो मैंने आसी जो मैंने अतिमानस सत्ता
अतिमान भाव प्रस्तुत थे से ग्रहण कराला जो मैंने प्रस्तुत ना फेरी दिगला कारण से प्रस्तुत ही ना फेरी आसवे ठीक सेमती गोटे स्तर सब अतिमान स्तर मनुष्य स्तर रही सब गोटे आ गोटे वाणी शोभिंद आमर लक्ष्य हे ना समग्र मानव समाज को अतिमान धारा रूपातर कराइबा आमर उद्देश्य हे कि कम संख्यार हो पछे रूपातर तत्व को धारा को प्रतिष्ठा करवा आम कौन कह चाहू आम कौन कर चाहूँ समग्र मानव समाज रूपातरित तो होती सेमती नुह आम कि मनीष को बा अतिमानव सृष्टि करवा ना अतिमानव रो तत्वटा ये तत्वटा ये प्रतिष्ठा करवा से कथा कहते अतिमान तत्वटा प्रतिष्ठा करवा जदि अतिमान तत्वटा प्रतिष्ठा हो गला चिंता नहीं कहीं समस्त हाँप सुजोग आसीगला केतेज अतिमानव सृष्टि कर गोटा सफलता बोली भावानी आम भावे अतिमानव हाँपाई संभावना सृष्टि तेणी प्रकार प्रस्तुति से भितर से भी अतिमान हो जापर गोटे गोटे संभावना सृष्टि एक जड़े जापर विश्वास कर प्रकृत अतिमान हाँपाई कौन कौन प्रस्तुति दरकार भितर जमी गोटे कहानी अच्छे अकबर बीरबल कहानी अकबर पचारे गोटे छोट सरु मटी हाँ भितर गोटे बड़ कखरु पूरी हे कि असंभव पूरी हेनी बीरबल कह आगे मुझे पूरी देवी केमती तीन मास समय मागिले तीन मास समय पूर्व मठिया नहींगले निज घर गोटे छोट कखरु फूल तर रखिकी बंद करदे और धीरे धीरे कखरु फुलटा बढ़ी बढ़ी बढ़ की मटी हाँ सैज होगा तर अर्थात दिस इज दि प्रोसीजर प्रोसेसटा जो जाना ना यटे ही करहब अतिमानस सिद्धि बा अतिमानव जाति प्रतिष्ठापी जहाँ आवश्यक से कथा जदि प्रस्तुत कर दिया जाए समाज में तेल भविष्य में सब समाधान हो पे कहले आ गोटे अतिमान संपर्क में बौद्धिक आलोचना आदू आवश्यक नुह कारण मन से सब कथा को आदो बुझीपार ना यह केवल शक्ति और समय अपचय ही हे आम करिया बाध्य कहीं आम आलोचना तो करूचु किंतु से कथा नुहे बौद्धिक धारा जो कन्विन्स कहीदेव जो हाँ मुझे पूरा जाणीगली अतिमान कौन अतिमान शक्ति कौन सत्ता कौन से विषय आम कि सामान्य अज्ञानतर कि हूत स्पर्श पाइबु से विषय धारणा टी पाइबु नचे से विषय सतरे कही हेनी सतरे बुझे हेनी गोटे दी भाई जाते गोटे गुरु पाक ब्रह्मज्ञान संपर्क हासिल करने ज्ञान पाई आसिले फेरिक आसला बापा पचारे कौन पाइल बड़ भाई सब कथा कहीगला ब्रह्मज्ञान संपर्क कहीगला सान भाई किसी कहला नीरव में ठिया है सी से पुण नहीं गले गुरु पाक कह ये तो कौन किसी कही पारे कह कारण सी प्रकृति ब्रह्मज्ञान पाई ब्रह्मज्ञान कौन से पाई तेणु ताकू कही हेनी बोली से कही पारानी उत्तर दे पारानी ए बड़ पु जी बुझी आउ थे पाठ पढ़ा पड़े अर्थात असल ब्रह्मज्ञान ताकु प्रकाश कर हुए नहीं तो तेणु से प्रकाश कर पारा ना आउ गोटे शिवेन्द्र को बाणी अतिमानस एक सत्य चेतना अपूर्णता कि असंगत अतिमान जगत आदो स्थान ना आम जो मैंने अपूर्णता असंगति कथा भाव बसु आम कमी भाविबा जे आम अतिमान हो भविष्य जी आम अपूर्णता और असंगति भितर बास कर अतिमानस कौन स्थान ही ना अतिमान जगत में आदो अपूर्णता कि असंगति रही आमर कार्यक्रम पृथ्वी को अतिमान जगत में परिणत करवा नुहे अतिमानस शक्ति को पृथ्वी पर अवतरण कराई चेतनार सीमितता को भांगी ताको परिवर्तन करवा आम जो चेतन बास कर चेतनार सीमितता को आम गोटे सीमित चेतना भितर अच्छु मनुष गोटे सीमित चेतना भितर अच्छी सीमित चेतनाटा भांग आम जहाँ भी चिंता कले आम जहाँ भी चिंता कले जहाँ भी कहले सी गोटे सीमितता भितर रमें धरतु समुद्र कहचु समुद्र भी गोटे लिमिट अच्छे सीमा अच्छे कहार सीमा नहीं भगवान छड़ा समस्त सीमा अच्छे से भगवान को कहुए अनादि अनंत आदि ना कि अंत ना आम अतिमानव अतिमान जाति जो आसे अतिमान शक्ति जो अतिमान सत्य जो कार्य कर सीमितता तार नहीं तार लिमिट नहीं
এই সীমিততা ভিতর মনুষ্য নিজের সীমিততা ভাঙ্গি ঊর্ধ্বকু যাব তা সীমিততার ভাঙ্গি বাহার তাপরে কহিলেন নিম্নরু উন্মুখ হওয়া অর্থ নিম্নরু উন্মুখ হওয়া অর্থ অবতরণ করুথবা অতি মানুষ নিম্নর এক প্রত্যুত্তর জাগ্রত করাইব পৃথিবীর চেতনার এবং জড়ভূমি অতি মানুষ সংগঠিত করিহব অর্থাৎ যে অতি মানুষ পৃথিবী বাতাবরণ ভিতরে অছি মহাবীর সে বিষয়ে সুরেন্দ্র কহিছেন নিম্নরু যে অপ্রকট থিবা অতি মানুষ শক্তি সে প্রকট হবে তা কি করবে সেই অতি মানুষ ঊর্ধ্বরে যে অছন্তি সে তাকে হি প্রকট করবে যেমতি পঙ্ক ভিতরে পদ্ম অছি পঙ্ক ভিতরে পদ্ম অছি পঙ্ক যেতে চেষ্টা করলে মধ্যে তাকে ফুটাই পারিব প্রকাশ করে পারিব সূর্য হি চেষ্টা করলে হব সূর্য কিরণ পাইলে হি পঙ্ক ভিতরে পদ্ম প্রকাশ হব এ পঙ্করু পদ্ম প্রকাশ পাই সূর্যঙ্ক কিরণ যেপরি অনিবার্য সেমতি নিজে অতিমানস নিম্নরু এক প্রত্যুত্তর নিজে জাগ্রত করাইবে তলু যে প্রত্যুত্তর সে অতিমানস জাগ্রত করাইব পৃথিবীর চেতনার এবং জড়ভূমিরে অতিমানস সংগঠিত করিব এই জড়ভূমিরে যে ভূমি আমি আসছু এই ভূমিরে সংগঠিত করি না অতিমান শক্তি থরে প্রকাশ হয়েগলা পরে স্থাপিত হয়েগলা পরে প্রতিষ্ঠা হয়েগলা পরে প্রকাশ করিহব তাপরে কহিলেন যেপরি পশু কিংবা অপরিপক্ক মানব চিন্তাশীল মনর কোণে লাভ উঠাই পারুনথিলা গোটে পশু কিংবা গোটে মানুষ যার মানুষ মন এতে পক্ক পরিপক্ক হয়নি সে লাভ উঠাই পারুনথিলা সেমতি অতিমান শক্তি যে কেউ উপকৃত হয়ে পারিবে না আরম্ভর এ অল্প কেজন হব ধীরে ধীরে এর প্রভাব বড় জগতরে সাধারণ মানুষ হঠাৎ জন চাইলে অতিমান শক্তি অবতরণ কলা পরে সে বিশেষ কিছু লাভ উঠাই পারিব তার কারণ হচ্ছে সেই স্তরক নযা পর্যন্ত সেইপাই তার উন্মুখতা নথিয়া পর্যন্ত সে কিছু উঠাই পারিব আগে বাণী হচ্ছে এই শক্তি গোটিয়ে গোটিয়ে করে মানুষকে গ্রহণ করে গোটিয়ে গোষ্ঠী সৃষ্টি করিব অতিমান শক্তি নিজে তার ব্যক্তি ভিতরে প্রস্তুতি দেখি তাকে গ্রহণ করিব ব্যক্তি ভিতর চেতনার প্রস্তুতি দেখি তা গ্রহণ করিব যা কি আপে আপে বৃদ্ধি পাইব ব্যক্তি মানুষ সংখ্যা ব্যক্তি মানুষ মাধ্যমে এক চেতনা পৃথিবী চেতনার অংশ বিশেষ হয়ে যাব পৃথিবীর যে চেতনা কার্যকারী করছে সে নূতন চেতনা এক পৃথিবীর চেতনার অংশ হয়ে যাব তাপরে ইহা বিশ্ব চেতনাকে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত সত্য ভাবে স্বীকৃত হব ফার্স্ট জানুয়ারি 1969 অতিমানব মনুষ্য মানক মধ্যে ক্রিয়া কলা অতিমানব চেতনা এবং চেতনা কার্যকারী করছে মানুষ মান ভিতরে 1969 জানুয়ারি পহলার কার্যকারী করছে সহজে প্রভাবিত হচ্ছে সরল ব্যক্তি মানে অসম্ভব লাগিলে মধ্যে কাইকি অসম্ভব লাগুছে না আগুরু কেবে তো হয়নি না আগুরু মানুষ অতিমান হওয়া ভাবা কোণী গোটে সম্ভাবনা আসিনথিলা যেহেতু হয়ে না তেণু হওয়া সম্ভব নুহ বলে আমি ভিতরে বিশ্বাস বা সন্দেহ হচ্ছে কিন্তু অতিমানব তত্ত্বটা হচ্ছে যা হয়ে না এপর্যন্ত তাহাই হব যা এপর্যন্ত কেবে বি কোন জায়গায় হয়ে না তাহাই হব এবং তা হব যেহেতু হয়ে না তাহা হব এই হচ্ছে বাস্তব সত্য অতীত ছিলা যেহেতু হয়ে না তেমন হব না কিন্তু আমার যাই হব না হয়ে না তাহাই হব আম ভিতরে জড় চেতনা এবং আত্মা চেতনা আ ভিতরে দুইটার ভিতরে গোটা ইয়ে জড় যে সে আত্মা সহিত সম্পর্ক নাই আমি কহিব আত্মা প্রত্যক্ষিত জড়বাদ আত্মা প্রত্যক্ষিত জড়বাদ এবং জড় অবহেলিত আধ্যাত্মবাদ যে আধ্যাত্মবাদ ভিতরে অছি সে জড়ক অবহেলা করেছে এবং জড় যে বাহার কার্য করুছে সে আত্মাকে প্রত্যাখ্যাত করেছে তাকে সংগ্রহ গ্রহণ করে নাই এই উভয়ক ভিতরে গোটে যোগসূত্র স্থাপন করিব অতিমান শক্তি অতিমান শক্তি উভয় চেতনারে পরস্পর দুইটি বিপদ চেতনারে যোগসূত্র স্থাপন করিব এবং এক নূতন অতিমানব চেতনা প্রস্তুত হব আমি যাহা করিব তাহা সচেতন সংকল্পর পরিণাম হব এ অতিমানব চেতনা আমার দাবি করছে সচেতন সংকল্পর পরিণাম আউ গোটে হউ হউ হয়ে হউ হয়ে হউ বাই চান্স হয়ে যাব গোটা অধা খাণ্ডিয়া হওয়া কি দোদ পাঁচ মন এই সন্দেহ সংশয় থাই হব এমনি নিয়ে কনফর্ম করি আমি নিশ্চয় বুঝিকি হবা মা 1956 পরে
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିପୁଲ ହୁ ଆର୍ ଇନୱାର୍ଡଲି ରେଡ଼ି ହୁ ଆର୍ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ହାୟର ଫୋର୍ସେସ୍ ପିପୁଲ ହୁ ହାଭ୍ ହାଡ଼ ଏ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର୍ କାହିଁ ସେ ଶକ୍ତି କାହିଁ ସେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ବେଶୀ ହେଉ ଯେ ସିଧା ସିଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍ ଆଉ କନସିୟସନେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି କି ଯଦି କିଏ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ବଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦି ଲାଇକ୍ କ୍ୟାନ୍ ନୋ ଦି ଲାଇକ୍ ଓନ୍ଲି ଦି ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ପରସିଭ୍ ଦି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର୍ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍କୁ ଅତିମାନ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ପରସିଭ୍ ଦିସ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର୍ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ ଦୋଜ୍ ହୁ ଫର୍ ସମ୍ ରିଜନ୍ ଅର୍ ଅଦର୍ ହାଭ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦିସ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି ଇଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ କଥା ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ କନସିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ୱିଦିନ୍ ଟିକେ ବି ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ହୁ ୱୁଡ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଟ୍ ଏ ଲସ୍ ଟୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେୟାର ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ନିଜର ଆତ୍ମା ବି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଦିଜ୍ ସଟନ୍ଲି ଆର୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ପରସିଭ୍ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର୍ ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଇ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କଥା କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦେ ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବ ବିକଜ୍ ଫର୍ ଦୋଜ୍ ହୁଜ୍ କନସିୟସ୍ନେସ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଅର୍ ଲେସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଆଉଟର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ହିଁ କେବଳ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଥିଙ୍ଗସ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆବସର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ଫର୍ ଦେମ୍ ଟୁ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିବ ଆବସର୍ଡ ଲାଗିବ ଅତିମାନ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ଦେ କଲ୍ ଦେମ୍ ମିରାକଲ୍ସ ସେ କହିବ ଯଦି ଯେମିତି ହୁଏ ତା'ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ମିରାକଲ୍ସ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ Quite simply, it is a habit of seeing things in a purely superficial way. ଗୋଟେ ଉପର ଥୌରିଆ ଭଳି ସେମାନେ ଏ କଥା ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମାଙ୍କୁ ମା ସୁଇଟ୍ ମେଦର ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଆୱାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି ଟୁୱାର୍ଡ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍ ମା କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଆମର କ'ଣ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ନୂତନ ଚେତନା ଆସିଲା ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କଲା ମାତ୍ର ସେଟା ନିର୍ଭର କରେ ତୁମ ଉପରେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ୟୁ ହାଭ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ୱାଚ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଓପନ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଆନ୍ ଏଫର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ନିଜକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ଓପନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ପିପୁଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କଲେକ୍ଟିଭ୍ଲି ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ ମା କହିଲେ ୱାଇ ଡୁ ଆସ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ କଥା କାହିଁକି ତୁ ପଚାରୁଛୁ ବିକଜ୍ ମେନି ପିପୁଲ୍ ହୁ ହାଭ୍ କମ୍ ହିୟର୍ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଅବତରଣ କରିଲେ ଆମର ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଫାଇଦା କ'ଣ ଓ ମାଗୁଛି ଆହା ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ସୁଡ଼୍ ଦେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ ସେମାନେ କାହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ କ୍ଲେମ୍ସ ଟୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଟେକିଂ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ କମ୍ ହିୟର୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବୁ ଆଇ ନ୍ୟୁ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ କେମ୍ ହିୟର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏଗୋ
समथिंग लाइक ओ आई डोंट रिमेम्बर नाउ बट वेरी लॉन्ग अगो मगर किसी लोक ये बहुत दिन तर आटेनली मोर दैन 20 इयर्स एगो 20 वर्ष आगे से एंड द फास्ट टाइम समवन डायड इन दि आश्रम दि शोड कनसीडरेबल डिससाटिस्फैक्शन प्रथम को जो लोकटे मरीगला आश्रम समस्त असंतोष प्रबल असंतोष सेइंग कौन कहले बट आई केम हियर बिकज आई थॉट दिस जोग वुड मेक मी इमोर्टल बट पीपुल कैन डाय व्हाई वुड आई हैव कम हियर क्या रे मुझे भाई अमर हवाप अमृत तो मैं आज लोक मरले ये कहीं आसल अर्थात लोक मैंने आश्रम जाते से मैं गोटे धारणा थी से अमर हाँपाई जा से जगह गले आ मृत्यु ना श्रीविंद भी लिखिंट प्रथम गोटे लोक कि मरीगले बहुत लोक मुँह सुखी बुड़े आश्रम सब क्या अमर हाँपाई आ बर्तमान आम जावा 1950 डिसेम्बर 5 रे कौन है आम जानचु डॉक्टर सान्याल जहाँ को माँ डकैले गोटे धारणा थी जे बोध हुए श्रीविंद असुस्थ अच्छा चिकित्सा कर डकई किंतु कौन सी चिकित्सार सुजोग से पाइले पारे से मन गोटे सन्देह है माँ मत डकैले कहीं माँ कह ये डकैली जे तू देखी बोली मुझे किसी देखी पारे से कहते माँ मुझे देखी पारे माँ हेटू मुंडे हाथ रखिले से वर्णना कर गोटे अत्यंत उज्जवल सुवर्ण आलोक से श्रीरबिंद शरीर निर्गत होतीमान ज्योति अतिमान शक्तिर अवतरण है डिसेंड कला श्रीरबिंद शरीर 1956 फेब्रुआरी 29 गोल्डन डे बोली पर जोटा घोषणा कराला से संपर्क में माँ बहुत सुंदर वर्णना कर समग्र कहानी तांका शरीर टी समग्र विश्व ठारू बड़ होगा एक सुवर्ण शरीर सुवर्ण पोशाक परिधान कर सम्मुखे एक सुवर्ण फाटक हाथ में अच्छे सुवर्ण हाथी से जानीगले समय हो गला द टाइम हाज कम समय आसी जा गोटे प्रहार दे गोटे प्रहार में से जो सुवर्ण फाटकटी भांगी चूर्णीभूत हो गला एवं तापर मुहूर्त से सुवर्ण आलोक पृथ्वी पृष्ठर वातावरण पृथ्वी वातावरण भितर प्रकाशित होगा जो घोषणा 1914 सेप्टेम्बर 25 रे कहला माँ से घोषणा को बदल नुआ करी कहले आउ थे द लॉर्ड हैज विल एंड दाउ शॉल्ट एग्जीक्यूट भगवान सिद्धांत करिवे आपण दाउ कार्यकारी करिवे किंतु मार्च 29 फेब्रुआरी 29 रे घटिला किंतु ये बाणी माँ दे मार्च 29 रे करेक्शन करी नुआ करी कौन बाणी दे माँ माँ के लॉर्ड दाउ हास्ट विल एंड आई एग्जीक्यूट भगवान आपण सिद्धांत कले किंतु मु कार्यकारी कली आई एग्जीक्यूट केते स्पष्ट ए कार्यर दायित्व कहा उपरे किए दायित्व नब किए दायित्व नहीं किए पृथ्वी आई एग्जीक्यूट ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपन दि अर्थ ए न्यू वर्ल्ड इज बर्न द थिंग्स दैट वर प्रमिस्ड आर फुलफिल हे प्रभु आपण सिद्धांत कले संकल्प कले मु कार्यकारी कली एक नूतन आलोक पृथ्वी में प्रतिष्ठित है एक नूतन जगत सृष्टि है जहाँ जहाँ सब प्रतिश्रुति दिखाई सब पूर्ण कर दिगला कहीं से प्रतिश्रुति कहीं से प्रतिश्रुति कौटी पूरण है माँ जो आलोचना कर विषय लोक मैंने पचार साधक मैंने पचारती माँ कौन सब प्रतिश्रुति दिखाई जो पूर्ण हो गला प्रतिश्रुति आज दिगला माँ कहते प्रतिश्रुति आज दिगला प्रतिश्रुति अनंत काल दिखाई जेबेठू मनुष्य सृष्टि सेबेठू प्रतिश्रुति दिखाई पृथ्वी सृष्टि काल प्रतिश्रुति दिखाई मनुष्य को तार यही अवस्था ऊर्धक निहा
से प्रतिश्रुति पालन कराला कहीं से नुआ शक्ति नुआ जाति कहीं से नुआ जाति कहीं व्हाट इज द न्यू रेस माँ कह वेट ए फ्यू थाउजेंड इयर्स किसी हजार वर्ष अपेक्षा कर किसी हजार वर्ष कि कथा माँ कह कौन कथ हजार वर्ष कम बेस जिते मनीष सृष्टि होता एक मान भितर माँ कह एक मनीष सृष्टि माकड़ मान पाखु मिलियनस अफ इयर्स लगे से सब साइंटिस्ट मैंने मिलियनस अफ इयर्स लगे ए हजार वर्ष लगे तार कारण हूँ कारण हूँ जी जी चेतना ऊर्ध को चेतनार सामर्थ्य बढ़ी बढ़ी जा अग्रगति सामर्थ्य बढ़ी जाऊँ जड़ चेतनार प्राण चेतना सब जी समय लगे प्राण चेतन मन चेतना ताठ कम समय लगे मन चेतन अति मानव चेतना को कम समय लगे फ्यू थाउजेंड इयर्स कहले जो चेतनार सामर्थ्य बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ता सुपर माइंड क्रिया आरंभ कर दे बर्तमान यू समय समस्या थिला कौन समस्या थिला संसार रे सबुठारु बड़ समस्या थिला जे पृथ्वी एवं अतिमानव जगत अतिमान जगत तो सृष्टि नूतन जगत तो सृष्टि सारी पृथ्वी तो ऑलरेडी अच्छी बट भीतर गोटे विराट गह्वर अच्छे भतरे गोटे बड़ गह्वर अच्छे गोटे अनब्रिजेबल बोली कहा अनब्रिजेबल ब्रिज करहब आपको बंद करहबन बाटा को आसांगे जोड़ी हेनी कि जोड़ब किए जमती श्रीविंद को देखु देखु माँ घोषणा कर सीए अच्छा सीए आसगनी आ चिंता कहीं उपस्थिति यथेष प्रमाण दौर पृथ्वी अंधकार आलोक रूपातरित हे ठीक सेमती माँ को श्रीविंद कहले सी इज द गोल्डन ब्रिज सी इज द गोल्डन ब्रिज द वंडरफुल फायर से कहले आई एक्जिक्यूट माँ कहे मुझे कार्य कर उभय भितर सेतु जो गह्वर अच्छे जो गह्वर को कई समस्त कौन कहते कहते से माया यहाँ हूँ सत्य अंतर भितर भगवान होते सत्य मन प्राण सर हो माया तेणु मायारू सत्य को पड़े चल माया को छाड़ दियो किसी करहब नहीं किंतु माया को सत्य संगे जोड़ जो दायित्व माया बा मिथ्या ताकु सत्य संगे जोड़ जो दायित्व ए दायित्व ने माँ निजे से सवित्री में अन्यत्र लिखिंट इफ दिस इज सी ऑफ होम दि वर्ल्ड हाज हर्ड वंडर नो मोर आट एनी हैप्पी चेंज जदि ये से जहाँ कथा शुणी आगुरु जगत आश्चर्य हेबार ना घटे जदि किसी महान और महत जहाँ को संपर्क पृथ्वी शुणी आगुरु ये हूँ से शक्ति आँ माँ को जो पचरा हो कार्य एप मान सिना साहय कर नीचे मनुष्य मान तो कर दे पारे कि माँ कह मनुष्य मैंने किपरि माँ को पचार माँ आम कर किसी माँ हसी गल नहीं चेष्टा कर दे कर कौन कौच कर तापर कहले से निजे से शक्ति निजे ही ये कार्य करे से शक्ति निजे ही ये कार्य करे मनुष्य मान भर तमर आमर भूमिका कौन आम आटीच्यूड कौन हवा दरकार माँ कहले दी थर कहते ओनली येस ओनली ओनली बोली कही रिपीट कर ओनली यू कैन मैन कैन कोलाबोरेट मैन कैन कोलाबोरेट ए कार्य मनुष्य केवल सहयोग कर सहयोग कौन ना गुडविल बड़ सहयोग माँ कहते गुडविल तुम्हें निजे गोटे प्रबल शुभेच्छा यही कार्य भगवान कर कार्य निजे गोटे प्रबल शुभेच्छा आमे जो कार्य संसार माँ और शिवेन्द्र करने को आनीषर सबुठ बड़ सहयोग हूँ संपूर्ण शुभेच्छा एवं सहयोग निजी को प्रस्तुत करवा माँ कहते यू कैन आस्पेयर
यू क्या गिव योर गुड विल यू क्या आसपा तुम्हें आस्पृहा कर या चाह पार इच्छा कर प्रति निज शुभेच्छा प्रदान कर भाई भोड़ी माने जदि आम माँ बही मन पकेबा माँ बहर सभा शेष पारे शिवेन्द अत्यंत स्पष्ट भाव घोषणा कर सारी कौन से घोषणा अतिमांस रूपातर नियति निर्दिष्ट नियति निर्दिष्ट अर्थ होगी बदली पारे ना ए थिंग डिक्रीड एंड इनएविटेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉन्शसनेस पार्थिव चेतनार क्रम विवर्तन नेता हवा अनिवार्य अनिवार्य भगवान को सिद्धांत को चेंज करन कर सामर्थ्य कार ना अनिवार्य कारण यही चेतनार ऊर्धमुखी गति शेष हो ना जो चेतना धीरे धीरे मानस चेतना जा जाए मैन इज नॉट इट्स लास्ट समिट मनीष सर्वोच्च शिखर मन मन सर्वोच्च शिखर नुहे यही चेतनार ऊर्धगति शेष हो नहीं मन तार सर्वोच्च शिखर नुहे किंतु यही परिवर्तन जद्वारा आसी पारे रूप ग्रहण करी पारे एवं चिरस्थायी हो पारे तीन टा जाक दरकार आमर परिवर्तन आसीबो रूप ग्रहण करिवो चिरस्थायी हबो सब दिन पई आसीबो सामयिक आसी चल जीवन यही परिवर्तन जद्वारा आसी पारे रूप ग्रहण करी पारे एवं चिरस्थायी हो पारे से प्रयोजन हला प्रथम निम्न रु आह्वान एवं से ही संगे ऊर्धर ज्योति जिते बड़े आसी प्रकट हुए से अस्वीकार नक स्वीकार कर दृढ़ संकल्प ऊपर ज्योति प्रकट आम जानचु ये माँ बही जो लिखाई थी अतिमान शक्ति अवतरण करें कथा लिखाई था बर्तमान सब सिद्धांत हो जाए दायित्व आसीगला आउ अस्वीकार करार ना स्वीकार कर दृढ़ संकल्प आ प्रयोजन है उपरु भगवान अनुमति तापर कहले जो शक्ति ऊर्धर अनुमति एवं निम्नर आह्वान ए दुईर मध्यवर्ती हुई उभयर आदान प्रदान घटाए ता भगवती जननी सत्ता और शक्ति माँ को दायित्व तलर भी ऊपर भी ऊपर आदान प्रदान उभय से ही घटे तलु आह्वान करिवार ऊपर उत्तर देवार उभयर दायित्व माँ को कौनसी मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे कौन सी मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे केवल माँ को शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे आधार को गढ़ी पारे यही तमिश्रा मिथ्या मृत्यु वेदनापूर्ण जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमर आनंद ये होची माँ को परिचय माँ स्वयं किए हु कैन बिल्ड दि ब्रिज बिटवीन टू एंड्स एपट गोटे अतिमानव जगत वर्तमान प्रतिष्ठित जगत ए भितर जो गल जो ब्रिज ताकू जे बिल्ड करी पारे ताकू जे ब्रिज करी पारे योग करी पारे सी होचंदि माँ तांकर परिचय हेलाया ऊर्ध अनुमति निम्न आवाहन ए दुईर मध्यवर्ती उभयक मध्य आदान प्रदान घटती त भगवती कौनसी मानुषी प्रयास तपस्या किछि काम करे नाही केवल माँ को शक्ति आवरण छिन्न करी दिए रही आधार को गढ़े तमिश्रा मिथ्या ओ मृत्यु बेदना जगत रे उत्तरी आणती सत्य ज्योति दिव्य जीवन अमर आनंद रे भाई भणी मैने अतिमानस सत्य बा अतिमान शक्तिर अवतरण सरी से कार्य पृथ्वी चली से आमर कह सन्देह ना आम जाचु ए कार्य स्वयं माँ निजे कर पृथ्वी एवं पृथ्वी जेते 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 समस्या ए अधिकांश नुह समस्त समस्यार समाधान ये अतिमान रूपातर ही अच्छी आम मैंने जो मैंने विशेषकर माँ सेवंदु ग्रहण करमर माँ सेवंदु ग्रहण करने पक्ष
ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଅତି ଗାଢ଼ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଦିନେ ଦିନେ ପୃଥିବୀରେ ଅତିମାନବ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ନୁହଁ, ଅତିମାନବ ଜାତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବିଚରଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପାଠଚକ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଯାହା ବି ଆମେ କାମ କରୁ, ପଛରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମଣିଷକୁ ଅତିମାନବ କରାହେବ, ମଣିଷ ଅତିମାନବରେ ରୂପାୟିତ ହେବ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ନଯାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ସେ ସନ୍ତକରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଭୂମିକା କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲୁ ଅତିମାନସ ଯତ୍ନ ଉପରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବା ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ପଢ଼ୁ, କିଛି ଜାଣୁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ସନ୍। ଅତିମାନସ ସେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଶୁଣେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଶୁଣେ, ଯେ କହେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି କୁହେ। ଅତିମାନସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ ବସ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ହୋଇପାରିବନି, ଧାରଣା ହୋଇପାରିବନି ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ଜମା ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ମନରେ ରହିକରି ଅତିମାନସ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ାକ ମୂଳ ପଏଣ୍ଟସ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ମାଆଙ୍କର ସମଗ୍ର ଯୋଗ ଏହାରି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଅତିମାନସ କ'ଣ, କି ବସ୍ତୁ ସେଇଟା, ମନର ଉପରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି। ମନର ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ରହିଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଉଚ୍ଚତର ମାନସ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ତା'ର ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମାନସ। ତାପରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ସମ୍ବଲି ମାନସ। ତାପରେ ରହିଛି ଅଧିମାନସ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ଅତିମାନସ। ଅତିମାନସ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ଅତିମାନସ କୁହାଗଲା, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଲା ଯେ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କରିବ ପୃଥିବୀରେ, କ୍ରିୟା କରିବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଛି ମଣିଷ ପ୍ରତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପିଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଯାହା ହେଉ ପଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ଭାବରେ କେମିତି କିଛି କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତେ, ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଆସନ୍ତା, ଏ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ କି? ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଗପ, ଯେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ନେଇକରି ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ସଭା ଉପରେ, ସେ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି କୌଣସି ମତେ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ, ସଭା ଶିଖରରେ ରଖିଲା ପରେ ପଥର ପୁଣି ଗଡ଼ିକରି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ପୁଣି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଉପରକୁ ନେଉଛି, ପୁଣି ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି, କୁହାଯାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିଛି। ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାମ ହିଁ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ସବୁ ଉପାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଶେଷରେ ଦେଖାହେଉଛି ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୟାର ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଉଠୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଣିଷ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ? ୟାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ
पशु जीवन रे जेते दुख कष्ट रही मनकर आम वृक्षलता जीवन को जीवा वेजिटेबल वर्ल्ड तार जिते गच्छ मानकर असुविधा से दूर हो पारे जाकि जे जो पशु परिवर्तन हो गोटे लोक कटु धरिकी गोड़ेला गोटे गच्छ आने गच्छ दौड़ी पड़ी पार पशुटे दौड़ी पड़ेब कौटी पा मिलूनी जे पशु जापर गच्छ जापर से जगह छाड़ी गच्छ वृक्ष वेजिटेबल वर्ल्ड रेत डिफिकल्टीज दूर है परवर्त अध्याय पहुँचिक पशु अवस्था पहुँचिक पशु जीवन दुख कष्ट दूर है जो से मनीष अवस्था आँचला मनीष आरंभ रु जो दुख कष्ट भोगुची जो दुख कष्ट को देखिकी आज को 2500 वर्ष ते बुद्धदेव संसार त्याग करते कहले ये मनीष परिणति यह से जीवन में भोगुचे से दुख कष्ट एपर्तंत मत जाए तार सल्यूशन श्रीवृंद आसिक श्रीवृंद कहते जदि मनीष चेतनार परवर्त पावच्य आरोहण न कै तार दुख कष्ट के जीवन जिते उपाय कर जिते बाह्य उपाय कर स्कूल कर कॉलेज कर बंद कर जहा जहा सब आधुनिक जंत्रपाति कर मनीष भितर के तार ईप्सित जो शांति सुख रही आसपरि केवल चेतनार एक पावच्य आरोहण कले जाए आसवा संभवपर हे परवर्ती पावच्य कौन पर सी देखिले जे व्यक्ति चेष्टा कर चेष्टा कर गोटे पर गोटे पावच उठी उठिकी तलू खसा को इच्छा करना कहीं तले तार समाधान नहीं एक चेतनार एक ऊर्ध स्तर को जड़े उठब कितु जो पुणी तल को खसी आस दुख कष्ट भोगुला से दुख कष्ट भोग श्रीवृंद कहले केवल आरोहण जथेष नुहे उच्चतर चेतनार अधिष्ठित हवा जथेष नुहे उच्चतर चेतना को निम्न अवस्था को नहीं आसवा हूँ तार समाधान यही है श्रीवृंद समाधान जितेबले श्रीवृंद 1926 नवेम्बर 24 अधिमांश सिद्धि लाभ कले वर्णना कर अधिमांश चेतनार अधिष्ठित हो दूर दिग्बल मिंजी मिंजी करता तारा सदृश से अतिमांस को देखले माँ कहते विषय माँ कहले आतुल फ्रांस बोधे ना ये विशिष्ट लेखक से माँ को पचारे माँ को बयस खूब बेसी नाला कहले यंग लेडी व्हाट इज योर प्रोग्राम कौन प्रोग्राम तुम माँ बर्णा माँ से बर्णना करते से कमी चाहती पृथ्वी दुख कष्ट दूर हो जाऊ सब भल हो जाऊ सब समस्ते भल रुंतु से कहले जान गोटे रबर पड़ी रबर को धरले रबर को टाणिले कहले जिते बड़े बड़ बड़ लोक मैंने आसती रबर को टाणीदे जमी से लंबा हो जाए पृथ्वी तार दुख कष्ट बाहरी आसे लंबा हो जाए उदार हो जाए से गला जो अवस्था था से अवस्था हो जाए माँ ताको कमेंट कर कहले कदि सागे मोर देखा हाँ मुझे कहती श्रीवृंद एमती एक चेतना एमती एक शक्ति एमती एक सामर्थ्यर आम आविष्कार कर रबर आउ पूर्व अवस्था को फेर नहीं टणा होकर सल्यूशन टू द सुपर माइंड टू द मिजरीज अफ दि आर्थ ह्यूमन काइंड मिजरी यह हूँ समाधान एमती एक चेतना एमती एक शक्ति रही एमती एक सामर्थ्य रही जहाँ पृथ्वीपृष्ठ अवतरण कले से मनीषर सामर्थ्य परिणत हो कौन हम ए गोटे प्रश्न प्रश्न हूँ जितेबले से शक्ति सामर्थ्य पृथ्वी चेतनारे व्याप्ति जीव से एक विशाल संभावना खोली विशाल संभावना खोली मान ते बहु चेष्टा करम गाँव में गोटे कॉलेज खोलि कौन धराधरी कर कॉलेज गोटे खोलि ताने आम पा मानक आउ हरियाण पड़बन समस्ते कॉलेज पाठ पढ़ार सुजोग मिल मैंने एक्स वाई जेड कॉलेज पाठ पढ़ी पारे जो से मैट्रिक पास कर ठीक से भाव में मनीष किसी प्रस्तुत हे कि मनीषपाई दुख कष्ट बाहरी आसापी एक विशाल संभावना खोली जाएगा अतिमांस कथा ये पुणी आम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा एत बड़ साधु संत महात्मा मैंने केश्रम कर सन्धान पाइन ये अतिमांस चेतना अतिमांस शक्तिर सन्धान पाइन से कौन चेष्टा कर चेष्टा कर बहुत चेष्टा कर किंतु सबू चेष्टा से देखिले
किसी एक जिनस रही पृथ्वीर वातावरण भितर पृथ्वीर चेतना भितर जहाँ जिते सफा कले जा तेणु से मैंने गोटे मुहर कहले जो पथ जातु जो मार्गर अनुसरण करतु जो विषय पढ़तु शेष गोटे कथा लिखाई जे ये नुहे ये जगार नुहे ये हेनी ये जगह बाहरी आसाक पड़ो ये जगह बाहरी आसाक पड़ो जितेबाला दुख कष्ट पीड़ित होकर आम ये प्रश्न उठाऊ भगवान का आगे जे आम केतेदिन ये अवस्था रख बोली भगवान कहते ये जगह हूँ गोटे ड्रामा भाया पृथ्वी ड्रामा हो ड्रामा ये ट्राजेडी सीन चली अपेक्षार कमेडी सीन आस ट्राजेडी भितर दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्स फॉर द कमेडी कमेडी में प्रस्तुत होती आज्ञा कमेडी कौन आसो ना जहाँ जहाँ देखु तार विपरीत जिनस हम आखि लुह गड़ू मुँह हसवाक आरंभ कर दुख कष्ट आनंद सब व्याप्त हो आनंद हम गोटे स्थायी अनुभव ये हिं हम स्वयंभू हम स्वयंभू मान कौन घटना सकाश आम सुखी सुख शांति अनिवार्य रूपे मनुष्य चेतनार आसपे य तो लंबा कथा ये घटना घटवे ये घटना द्वारा अतिमान चेतना आस घट समस्ते बुझीपर कि समस्ते जापर कि श्रीमंद प्रचार है श्रीमंद तो यह विषय एत प्रश्न कराई अतिमान संपर्कित कहार ना श्रीमंद कह समस्ते जानवे नहीं जब भितर प्रस्तुत नए समस्त जाना संभवपर नुहे ये द्वितीय कथा पचराई है श्रीमंद को जे अतिमानस चेतना आसिले तार ग्रहण पर आम कमी निजी प्रस्तुत करूँ तार क्रिया केमी प्रस्तुत करूँ आमर काम कौन माँ तो अतिमान चेतना को नहीं ठीक अच्छे आमर काम कौन आम कौन कर आम श्रीमंद लेखा पढ़ू माँ का लेखा पढ़ू अतिमानसर नंबर वन शत्रु हूँ अहं अहं हूँ अतिमानस शत्रु माँ 72 बोधे हम कि जन को डाक कहते जे कही दि अहं को कहीदि समय परिसम्त होम एमती एक जाति चाहूँ जहाँ भितर अहं नहं स्थान एक विशाल चेतना थी अतिमान चेतना थी आम से एक जाति चाहूँ आम जुआड़े को जाऊ देखु ये हूँ आम उद्देश्य आम जुआड़ को जाऊ से आड़ विषय है आम बर्तन विभिन्न असुविधा भितर दे के जाऊ गोटे विषय भूली जावानी के प्राणभूमि मुझे भूल जावानी कह चाहिए यहाँ के इम्पोर्टाट जिनस पृथ्वी दुख कष्ट सृष्टि केमती श्रीमंद वर्णना कर प्राणभूमि निम्न प्राणर या सता मैंने अवतरण कर अवतरण फल व्यक्तिगत भाव प्राण भितर क्रिया आरंभ हो व्यक्ति निम्न प्राणर प्रकृति अनुसार व्यवहार करने आरंभ हो समाधान ओनली विथ श्रीमंद श्रीमंद ही समाधान रही आमर कर्तव्य हूँ जो अतिमान संपर्क बहुत प्रश्न कराई श्रीमंद कहते कहीं ये प्रश्न कर कौटू स्टार्ट करवा आग आरंभ कर कह पुणी प्रश्न तो एमती कराएनि आउ एक स्टेप जाइं अतिमांस पर कौन हम श्रीमंद कह अतिमांस पर कौन हम से आम चिंता नुहे ना विश्वमन रूपातरित हम ना ना श्रीमंद कह से आम चिंता ना आम चिंता हूँ अतिमांस चेतना को फिक्स करवा पृथ्वी वातावरण में ना आमको कौन कर हाँ से ही क्वेश्चन आमको कौन करमें प्रत्येक निज भितर आम यगर थ्योरी अफ द सुपर माइंड बुझा आम प्रत्येक निज भितर लुकायत अंतरात्मा को आविष्कार करूँ कारण ताही हूँ सेंसिटिव टू द सुपर माइंड एवं अतिमा यही चेतना को आविष्कार करने फल कौ चेतना आत्मा चेतना को आविष्कार करने फल माँ को उपस्थित के आविष्कार करने फल से उपस्थितर चेतना द्वारा मन प्राण शरीर को परिवर्तन करने को चेष्टा कर कार्य आगुरी जिते कष्ट साध्य होता बर्तमान एत कष्ट साध्य नुहे माँ बहुत बढ़िया कर कहले सुपर माइंड डिसेंट पर क्लास कहे जो जो जिनस एकदम कष्ट होता से सब जिन सहज हो जा जिनसज था अवहेला क्रमे प्राप्त हो जाए आरंभ करवा कौटू आमे आरंभ करवा व्यक्तिगत जीवन रे लक्ष्य होमें आरंभ करवा
आम भितर थिबा अंतरात्मा को आविष्कार करिबा। आमे जो कार्य सब करछु स्कूल करछु वाणिज्य करछु कला करछु केते कोन साहित्य करछु प्रत्येक टाकु उपाय रूपे ग्रहण करिबा। जेमती जीवन रो लक्ष्य जप करिबा नहे जीवन रो लक्ष्य ध्यान करिबा नहे जप ध्यान को व्यवहार करा जाउछि जीवन रो लक्ष्य प्राप्ति करिया पे। ठीक से भाव रे जो काम आमे करछु बिल्डिंग करि देले सुपर माइंड आसिबनी 100 स्कूल बसई देले सुपर माइंड आसिबनी। ए बाहर बाटर आरंभ करके भीतर परिवर्तन करवा नॉट पॉसिबल एट ऑल। ए बाटर नुहे आम भितर आम एभली एक चेतना को आविष्कार करूँ से चेतन प्रतिष्ठित हबु एवं ताकू आम सकल अनुभव भितर प्रकाश करूँ। यह कौन कर बढ़िया करते बड़े अतिमानस सांगे संपर्क स्थापन हुए व्यक्तिर से भितर या चैतपुरुष ही स्वरापेक्षा अधिक उत्तर देवाक आरंभ करे रेस्पन्स देवाक आरंभ करे। तेणु जपर्यंत आम चैतपुरुष चेतन चैत चेतन प्रतिष्ठित नईचु अतिमांस विषय आलोचना करवा एक कल्पना विलास छड़ा अधिया कि नुहे। आम प्रकृति से चाहू कि कथा बड़ कथा हूँ जे ये आम बर्तमान शुणिलु से विषय आलोचना जे अतिमांस गोटे जाति हिसाब से प्रतिष्ठा हाब कौन सी व्यक्ति हिसाब से नुहे जाति हिसाब से माने जमती माकड़ पर मनीष है मनीष पर आउ एक नूतन जाति सृष्टि हे जो मान भितर यही चेतना स्वाभाविक प्रकाश प्रकाशित हे यहाँ भल कर बुझा एवं आम कह से मनीष रही किए से विषय आलोचना है बर्तमान प्लेन लोक जावासा करु शगड़ गाड़ी भी रही गाँव में मनीष रोटे स्टेप हिसाब से किंतु मुख्य वस्तु हम ये जाति थरे आरंभ हेले बढ़िया आरंभ कर बढ़िया आरंभ कर माने कौन बढ़िया आरंभ कर अर्थ है आत्मा आविष्कार कर लोकंर संख्या बढ़ी एक निश्चित कथा बहु व्यक्ति इनवर्डली टर्न करने को आरंभ करेंगे ये है आहरी निश्चित कथा तापर माँ कृपा जो चेतना शक्ति से अवतरण कर आर साय फल घटनावली एभली घटी उठ प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन रे सामूहिक जीवन रे प्रत्येक व्यक्ति भितर को जवाक बाध्य है अंतर्चेतना प्रवेश करने को बाध्य है अंतर्चेतना को आविष्कार करने को चेष्टा करने को बाध्य है एवं यह फल आम भितर एक विशाल परिवर्तन घटव एणे अतिमांस चेतना शक्ति साहय द्वितीय व्यक्तिगत चेष्टा को प्रणोदित करा कार्य देखू आम भितर नुआ जीवन आरंभ हो एवं यही संख्या यही समाधान धीरे धीरे बढ़िया आरंभ कर आम देखे आम जीवन एक अद्भुत अवस्था जाए पहुँची जिते बड़े अतिमांस बवर्तन विषय कह जाऊँ आम को कह जाऊँगी एक परवर्ती कौन कह उषार विषय परवर्ती उषार विषय कह देख जिते बड़े मनीष जाति बहुत मजारे रामायण वर्णना कराई पृथ्वी दुख कष्ट जर्जरित होकर भगवान पाखे जा प्रार्थना करगवान कहते मुझे जीवी तोर असुविधा दूर करी एक्जाक्टली पृथ्वी चेतना माँ प्रेयर्स एंड मेडिटेशन मन पक पृथ्वी चेतना को माँ कहते दुखनी पृथ्वी व्यस्त हने मुझे तो सागर ये हूँ ग्रेट एक्सपीरियंस या परवर्ती जो अवस्था घटव से हूँ जे विशाल परिवर्तन अवस्था समग्र पृथ्वी चेतना भितर जो अतिमांस चेतना बा ए शक्तिर अवतरण घटू से चेतना प्रस्फुटित हे विकसित हे मनुष्य जीवन को परिवर्तन करिबा ए होची परवर्ती कथा। श्रीवृंद माँ कहले श्रीवृंद सतवार्षिकी श्रीवृंद आश्वासना दे हाँ बोली कहती कम कमी कहीं हाँ बोली कही श्रीवृंद निजे जो जो कथा जीवन में मुझे चाहे गोटे भी अपूर्ण रही तेणु जहाँ श्रीवृंद को कथा देखते ये पुराणी आस श्रीवृंद पाखे पहुँचिले कहे आज्ञा मुझे शोपारे राति ना कहीं भारत केमी स्वाधीनता पाव ए विषय चिंता करके मो जीवन गला कहे जदि किए जाने कि मत कहीदिंता निश्चय भारत स्वाधीनता पाव बोली श्रीवृंद चुप रही झरका बाटे आकाश को चाहिए तापर मुह फेरिकी कहले कहे आसंता कालीर सूर्य जी सत्य ठीक से सत्य भारत स्वाधीनता
ସେହି ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏକ ମହାନ ଜୀବନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ୱରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟ କୌଣସି କାରଣ ସକାଶେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ମନ କ'ଣ ଖରାପ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଅବସ୍ଥା କଟିଯିବ, ଏକ ମହାନ ଜୀବନ ଆସି ଦେଖାଦେବ, ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରାହେବ। ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ କାଲି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମ କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜି ଜୁଲାଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ପ୍ରଣାମ। ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଜୁଲାଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି, କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବାରିପଦାରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ ସଂଗଠନ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମା ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କପିଳାସ ଭାଇ ଏବଂ ବାବୁଲି ଭାଇ ଯୋଡ଼ିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। କପିଳାସ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କର 3 ବକ୍ତବ୍ୟ 3 ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାତୃ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।